चलिए तो जीडी क्लासेस पटना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास देखने वाले हैं। यदि आप बायोलॉजी कहीं पर भी आप पढ़े हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही शानदार आपका रिवीजन होगा। तो आप लोग वीडियो को कृपया करके पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से पूरा आपको सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको कोशिश करेंगे दो पार्ट में हम लोग रिवीजन करने के लिए, एक पार्ट वन एक पार्ट टू। अब देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बायो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिगर के साथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, रिवीजन भी आपको फिगर के साथ कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में सब लोग आइए और जुड़िए। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का जो है बहुत शानदार तरीका से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप लोग को टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न और उसका पूरी तरह से डिस्कशन आपको दिया जाता है। और आपको कुछ HW भी देंगे घर से याद करने के लिए, आपको ऑनलाइन के थ्रू याद करना है। कुछ PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रखना है। और शनिवार रविवार को सुबह में 7 बजे से लेकर के आपका जो है 9 बजे तक, अभी फिलहाल है लेकिन कुछ दिन के बाद ये 6 बजे से लेकर के आपको 8:30-9 बजे तक चलेगा रिवीजन क्लास, जिसमें एक चैप्टर आपको लेंगे और पूरा चैप्टर का सुपर फास्ट रिवीजन आपको करा देंगे। ध्यान रखिएगा, तो जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शानदार आपको जो है तरीका से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीका से आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो अभी फिलहाल आपका जो है अभी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को एक बार दो बार तीन बार रिवीजन करिए तो आपको बहुत शानदार तरीका से आपको भी समझ में आ जाएगा। हालांकि यदि आप अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिएगा नए स्टूडेंट तो भी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट है तो आपका ज़्यादा तेजी तरह से आपको लेके जाएंगे, ज़्यादा तेजी नहीं, आराम से याद कराते हुए बीच बीच में आप प्रश्न पूछते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो लैमार्क और ट्रेवियस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवनियस ने किया था, ध्यान रखिएगा। लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेवनियस आपका जर्मनी का रहने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। लैमार्क आपका फ्रांस और ट्रेवनियस जर्मनी का रहने वाला था। हालांकि जीव विज्ञान के बारे में जानकारी देने वाला पहला विद्वान जो थे अरस्तु थे, ध्यान रखना है। अरस्तु ये आपका जो है 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इसका इनका जीवन यापन आपका जो है काल रहा था। इसको यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। मतलब अरस्तु जो थे, अरस्तु ये प्लूटो के शिष्य थे, मतलब आपका अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो लेकिन सिकंदर के गुरु का नाम आपका अरस्तु, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रेवनियस ने किया था, ध्यान रखना है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द से बना है, कौन सा शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से बना है बायोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। जीव विज्ञान एक ग्रीक शब्द से बना है जिसमें बायोस मतलब आपका लाइफ, जिसका अर्थ होता है जीवन, और आपका लोगस मतलब स्टडी, ध्यान रखना है। मतलब बायोस प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है ये बायोलॉजी, जीवन और आपका जो है लोगस मतलब अध्ययन होता है, मतलब जीवन का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन हमारा जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। चलिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान का पिता बोलेगा तो अरस्तु, और पादप विज्ञान का पिता बोलेगा तो थियोफ्रेटस, और चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलेगा तो हिप्पोक्रेटस। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है और आएगा भी, ध्यान रखना है। तो जीव विज्ञान का पिता बोलेगा तो अरस्तु, हालांकि जंतु विज्ञान का पिता बोलेगा तो भी अरस्तु,
जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, ये भी याद रखिएगा, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। वनस्पति यानी पादप विज्ञान का पिता थियोक्रेटस और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पहली बार वर्गीकरण की बात, जीव जंतुओं को बांटने की बात पहली बार ये जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन रे नामक विद्वान ने पहली बार जीवधारियों को बांटने की बात किया गया था। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी में कई बार पूछा है, आगे आपके एग्जाम में पूछेगा जॉन रे। लेकिन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर ए छटेकर, उन्होंने पहली बार जीवधारियों को 5 वर्ग में बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमिलिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। तो जीव विज्ञान में जीवधारियों को वर्गीकरण की बात पहली बार जॉन रे नामक विद्वान ने किया था, जिन्होंने जाति, स्पेसीज और आपका वंश, जीनस के अंतर पर स्पष्ट किया था, ध्यान रखना है। मतलब जाति वंश के आधार पर जीवधारियों को बांटने का काम किया था। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आर एच छटेकर, ये आर एच छटेकर ने पहली बार जीवधारियों को कितने वर्ग में बांट दिया, तो 5 वर्ग में, 5 वर्ग में बांट दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमिलिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कैरोलस लिनियस, इसी को हम लोग कार्ल लिनियस भी कहते हैं शॉर्ट में, या आप कैरोलस लिनियस भी इसको बोल सकते हैं। ये स्वीडन का रहने वाला था और ये जीवधारियों को पहली बार दो भाग में, दो आधार पर बांटा, दो वर्ग में बांटा, एक आपका जो पादप जगत, एक आपका जंतु जगत। हालांकि आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम लोग को इसी को कहते हैं, आधुनिक वर्गन का पिता किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस, सी लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इन्होंने दो पुस्तक लिखा था, एक पुस्तक का नाम था जिनेरा प्लांटेरस और दूसरा सिस्टमा नेचुरो, ये दोनों पुस्तक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनेरा प्लांटेरस और सिस्टमा नेचुरो, जिनेरा प्लांटेरस और सिस्टमा नेचुरो पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको, तो कैरोलस लिनियस, या दीव नाम पत्ति का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को। दीव नाम पत्ती का जनक किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस, सी लिनियस, कार्ल लिनियस, उन्हीं का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन का रहने वाले थे ये कैरोलस लिनियस। और दीव नाम ने मतलब जीव जंतुओं को नाम जो है दो आधार पर दिया जाएगा, एक जाति के आधार पर और एक आपका वंश के आधार पर, एक वंश के आधार पर, एक आपका जाति के आधार पर मिलेगा। बाद में जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम देने का काम भी कौन किए, तो कैरोलस लिनियस। यानी मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सेपियंस, ये कौन दिया, तो कैरोलस लिनियस, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे आते हैं, जो भी आपका बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 68 भी बीपीएससी आपका एग्जाम देने वाले हैं, या आने वाला समय में आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं, या बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको देने वाले हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को शेयर करिए और सब लोग को वीडियो पर आने के लिए बोलिए और जुड़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग मिलिएगा, आइएगा, जुड़िएगा, उतना हमको मज़ा देगा पढ़ाने में, ध्यान रखिएगा। तो सब लोग आइए और जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, ध्यान रखिएगा, उतना सॉलिड तरीका से आपको बताएंगे, एकदम रिवीजन हो जाएगा, 2 घंटा से 2.5 घंटा में बहुत ही शानदार रिवीजन आपको हो जाएगा। कम से कम इतना तो आप पढ़ लिए, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, पादप विज्ञान का पिता थियोक्रेटस, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस, दीव नाम पत्ति का पिता कैरोलस लिनियस, पहली बार जीवधारियों को वर्गीकरण की बात कौन किया, जॉन रे, और पहली बार कौन बांटा, तो आर ए छटेकर ने बांटा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बताएं आपका वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कौन रखा, तो कैरोलस लिनियस। सिस्टमा नेचुरी ऑफ जिनेरा प्लांटेरस नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो कैरोलस लिनियस। तो आप इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बात और बताएं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया, तो लैमार्क और ट्रेवनियस। लैमार्क कहाँ का था, फ्रांस का, और ट्रेवनियस कहाँ था,
तो आपका जर्मनी का था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो आपका कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधा का वैज्ञानिक नाम है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं, मेढक का राना टिग्रिना तो आपको पता होगा, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका भी आपको पता होगा। बस हम लोग डिवीजन देख रहे हैं, जिनका पढ़ा हुआ है रटा हुआ है तो सुपर फास्ट डिवीजन हो जाएगा, आपको 2 घंटा में दम गर्दा हो जाएगा। कुत्ता का कैनिज फैमिलीज, गाय का बोस इंडिकस, भैंस का बुबालस बुबालिस होता है भैंस का, और शेर का पैंथरा लियो और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस, ध्यान रखना है। शेर का पैंथरा लियो और बाघ का पैंथरा टाइग्रिस, और चीता का पैंथरा पार्डुस होता है। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस, लंगूर का होमिनोडिया होता है, मक्खी का डोमेस्टिका मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, और आम का मैग्निफेरा इंडिका, धान का ओराइजा एस्टिवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, और मटर का पीसम एस्टिवम है, मटर का वैज्ञानिक नाम। सरसों का ब्रेसिका कंपोस्टिज, ब्रेसिका कंपोस्टिज सरसों का वैज्ञानिक नाम, और मोर का पावोक्रिटेसस, पावोक्रिटेसस आपका मोर का, और इसके बाद आपके एग्जाम में ये पूछेगा कमल का, कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन, बरगद का फाइकस बेंधालेसिस, और गन्ना का सुग्रेसस ऑफिसिनेरम, और कपास का गैस्पियम, और मूंगफली का एराइकिस हाइजोपिया। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जी, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कमल है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ध्यान रखना है। इसके बाद बरगद भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आता ही है। इसके बाद कपास भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कपास भी पूछेगा आपसे, मोर का भी पूछेगा, बिहार दरोगा में आपका जो है ये सरसों का पूछ दिया है, ध्यान रखना है। इसके बाद धान गेहूँ मक्का तो आपको याद होगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए आपको जो है कहिए या जुड़ने के लिए बोलिए, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर एच हेटेकर जो है, आर एच हेटेकर जीवधारियों को 5 वर्ग में जो बांटे थे, आर एच हेटेकर जीवधारियों को 5 वर्ग बांटे थे 1969 में, तो ये 5 वर्ग में कौन कौन है हमारा, तो एक है मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा पादप कवक और आपका एनिमेलिया, ध्यान रखना है। लेकिन पहली बार वर्गीकरण की बात कौन किया था, जॉन रे, जीवधारियों के वर्गीकरण की बात जॉन रे किया था, लेकिन बांटा था आर एच हेटेकर। अब देखिए हमारे जीव विज्ञान में मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग को एक पढ़ना है, आपका कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक आपका यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और विकसित कोशिका को आपका जो है यूकैरियोटिक, मतलब वैसा कोशिका जो पूरी तरह से उसका सारा अंगक विकास हो, सारा अंग पाया जाता हो, सारा कोशिका का अंग पाया जाता हो, कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो, एकदम आपको जो है सारा चीज उसमें आपका जो है जो कोशिका में गुण होता है वो सारा तरह का प्रॉपर्टी उसमें मिले, तो ऐसे कोशिका को हम लोग कहते हैं आपका यूकैरियोटिक। और जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगा, भ्रूण अवस्था में रहेगा, बहुत सारा कोशिका में आपका अंग या गुण मौजूद नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यानी अविकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक, अविकसित वाला को प्रोकैरियोटिक, और विकसित कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मोनेरा, मोनेरा में कौन आता है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु साइनोबैक्टीरियम और आर्किबैक्टीरियम, ये आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आपसे बस एग्जाम्पल ही पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु या कौन सा जीव जो है वो आपका मोनेरा जगत में आता है, ये आपसे पूछेगा। तो बस खाली एग्जाम्पल याद रखिए, जीवाणु साइनोबैक्टीरियम आर्किबैक्टीरियम किसमें आएगा जी, मोनेरा जगत में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लक्षण है, तो लक्षण में आप जानते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ किसी भी झिल्ली से बंधा नहीं होता है, बल्कि जीव द्रव में बिखरा पड़ा रहता है, इधर उधर रहेगा, यानी मोनेरा जगत का जो भी जीव है। कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ आपका नहीं होता है, रहती है इसमें, ध्यान रखना है। और इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल भी पाया जाता है, ये मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव को।
जीव में। केंद्रक आपका जो है केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय रिक्तिकाएं नहीं होता है इसमें। प्रकाश संश्लेषण राजधानी संश्लेषण या परपोषी होता है मुनिरा जगत के जितना भी जीव होता है। अब देखिए यहाँ पर आइएगा, कुछ आपका प्रमुख उदाहरण तो जीवाणु का नाम दे दिए हैं, ध्यान रखना है। तो ये आपका आपसे एग्जाम्पल में ही पूछेगा जीवाणु साइनोबैक्टीरियम आर्किबैक्टीरियम किस में आता है, तो आपका मुनिरा जगत में। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में कौन आएगा, तो प्रोटिस्टा में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव शामिल होगा, एक कोश के यूकैरियोटिक जो जल में रहता हो, एक कोश के यूकैरियोटिक जो जल में रहता हो उसी को हम लोग किस में शामिल करेंगे, तो प्रोटिस्टा में, ये आपको ध्यान रखना है। और पादप जंतु के बीच स्थित युगलिना, युगलिना जो होता है पादप और जंतु के बीच का कड़ी होता है, ध्यान रखना है। तो युगलिना जो है इसी में आता है प्रोटिस्टा में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आप एग्जाम्पल याद रखिए, मेन रूप से आपसे एग्जाम्पल ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें कुछ कवक है, एक कुछ के कवक क्लोरेला है, युगलिना है, ट्रिप्नोसोमा जो नींद का बीमारी का कारण बनता है, ट्रिप्नोसोमा ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास ये सब किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में। यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल में ये पूछेगा प्लाज्मोडियम अमीबा और पैरामीशियम, ये आपसे एग्जाम में 100% आपको आता है और आएगा भी, ध्यान रखना है। तो जीवाणु साइनोबैक्टीरियम आर्किबैक्टीरियम किस में, तो आपका मुनिरा में, लेकिन अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनास और आपका जो है प्लाज्मोडियम ये सब किस में आएगा, तो आपको जो है हमारा प्रोटिस्टा जगत में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे देखते हैं पादप जगत, तो पादप जगत में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुकोशिकीय पौधे शामिल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, कोशिका भित्ति होता है, ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति होता है, ये भी आप याद रखिएगा कोशिका भित्ति। ये पौधे के लिए भोजन को स्टार्च और लिपिड्स के रूप में संचय करता है, मतलब स्टार्च और लिपिड के रूप में जमा करता है। इसमें लवक होता है, ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पादपों की वृद्धि असीमित होता है, इसका कोई सीमित नहीं होता है, ध्यान रखना। शाखाओं के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है। तो ये पादप मतलब पेड़ पौधा आ गया, तो याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवक, तो कवक में हमारा जो है वैसा जीव जो आपका मृत पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करता हो, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आपका भोजन तैयार नहीं करता हो, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार नहीं करता हो और परपोषी और यूकैरियोटिक होते हो, उसी को हम लोग कहते हैं कवक जगत में। मेन रूप से आपका कवक इसमें आता है, जो ये कवक जगत में परजीवी होता है, ध्यान रखना है, परजीवी, मृत परजीवी भी इसको कहते हैं हम लोग। ये जिस पौधे पर रहते हैं उसी से अपने भोजन के लिए आपका जो है या पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, ये मृत परजीवी होता है और ये भोजन यानी पोषक तत्व जो प्राप्त करता है वो अवशोषण विधि के द्वारा प्राप्त करता है, ये भी आप याद रखिएगा, अवशोषण विधि के द्वारा। हालांकि मृत पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है अवशोषण विधि के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, यानी कवक जगत में जो भी जीव जंतु आता है, मतलब कवक में, ध्यान रखना है, तो कवक में भोजन जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहता है जी, ग्लाइकोजेन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो ईस्ट आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, दीमक आ जाएगा, ये कवक जगत का प्रमुख पौधा है, ये आपको जो है प्रमुख आपका जो है जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं जंतु जगत, तो जंतु जगत में भित्ति रहित यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ये परपोषी होता है, ये भी जंतु जगत, और इसका वृद्धि जो सीमित होता है, निश्चित आकार व रूप आपका पाया जाता है, चलियान होता है, और इसमें कोशिका उत्तक अंग अंग प्रणाली सब पाया जाता है, मतलब मेन रूप से बोलिए ना तो जितना भी आपका जो है विकसित जीव जंतु है, विकसित जीव जंतु है सब किस में आएगा, तो आपका इसी में आएगा जंतु जगत। इसको हम लोग एनिमेलिया भी कहते हैं या आपका जो है मेटाजोआ संघ भी कहते हैं, मेटाजोआ संघ, एनिमेलिया भी कहते हैं या जंतु जगत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार ये आपका बांटने का काम किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना याद रहेगा, तो आप कमेंट में आपको जो लिख करके बताइए कि आपसे पूछेगा अमीबा पैरामीशियम
आपका प्लाज्मोडियम और ट्रिपनोसोमा, ये आपका जो है पादप, ये आपका किस अंग में रखा गया है बताइए, किस अंग में रखा गया है? पादप में रखा गया है कि जंतु में रखा गया है कि प्रोटिस्टा में रखा गया है कि आपका जो है मुनेरा जगत में रखा गया है, किस अंग में रखा गया है जरा कमेंट करके बताइएगा आप। और ध्यान से वीडियो को देखिए, हम बीच बीच में आपका जो है आपका क्वेश्चन पूछते रहेंगे और क्वेश्चन का जवाब आपको देते रहना है। और वीडियो को फिलहाल शेयर करते रहिए आप लोग, और आइए जुड़िए और अच्छा से रिवीजन करिए, ध्यान रखना है पूरा रिवीजन आप लोग को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए जवाब दीजिए सब लोग, जो पूछते हैं उसका आंसर का जवाब दीजिए। आगे देखते हैं, अब देखिए हम लोग का पहला चैप्टर आता है कोशिका, जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला चैप्टर हमारा कोशिका है, तो कोशिका के बारे में कुछ ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा जानना है नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे और निकलेंगे यहाँ से, ध्यान रखना है। देखिए कोशिका जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, मतलब ऐसा इकाई हमारे शरीर में काम करने वाली ऐसा यूनिट, ऐसा इकाई जो सबसे छोटा हो, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा जीव होता है, सबसे छोटा जीव आप नहीं बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकाई, एक ऐसा काम करने वाला इकाई जो आपका हमारे शरीर के सबसे छोटी से छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई हो उसी को सेल कहते हैं, ध्यान रखना है। हमारा क्या पूरा जितना भी जीव जंतु है सारा जीव जंतु का आपका जो है ये आपका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपका सेल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका ही होता है। चलिए कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था, ये भी याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इस कारण कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका जीव द्रव से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजक कर यौगिक के रूप में आपको उपस्थित रहता है, मतलब अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व इसमें मौजूद रहता है यौगिक के रूप में, इसमें अकार्बनिक पदार्थ, इसमें खनिज लवण, जल या कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब होता है, ध्यान रखना है, सारा चीज होता है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है, ध्यान रखना है, हमारे शरीर का नहीं जीव जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, और हमारे शरीर की सबसे लंबी रचनात्मक क्रियात्मक जो कोशिका है वो आपका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का इकाई न्यूरॉन होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव कोशिका में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिकाएं विभिन्न रूप में पाई जाती है, कुछ जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिके का बना होता है, और जिसका भी आपका जीव जंतु, जो भी जीव जंतु का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसमें सारा क्रिया, मतलब पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जितना भी क्रिया है सारा क्रिया वही एक ही कोशिका के द्वारा होता है, मतलब एक ही कोशिका करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कोशिका में कौन कौन आ जाएगा? तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, ये सब हमारा एक कोश के जीव जंतु है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को बहुकोशिकीय कहते हैं, और लगभग 60 किलोग्राम का कोई आपका जीव जंतु है उसमें कोशिका कितना हो जाएगा? तो 60 × 10^15 आपका जो है 60 किलोग्राम कोई भी आपका जो है अगर मानव है या कोई भी जीव जंतु है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या 60 × 10^15 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो आपका जो है बहुकोशिकीय जीव में आपका जो है विकास अनेक कोशिकाओं को मिलने से होता है, हालांकि उसमें काम जो भी होगा बहुकोशिकीय में
बहुकोश के जीव में जो भी काम की क्रिया होगा सब अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करेगा, ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं अपना आकार एवं आपका स्वरूप बदलती रहती है, परंतु कुछ कोशिकाएं जैसे अमीबा, अमीबा आपका जो है, और रुधिर कोशिकाओं में आपका श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC, ध्यान रखना है, अमीबा हो गया और आपका जो है WBC हो गया, ये दो ऐसे आपका जो है, ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात हमारा ये है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए ये आपका जैसे कोशिका जो होता है ना हमारे शरीर में या जितना भी जीव जंतु में कोशिका होता है, कोशिका अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदलता है, आकार एवं स्वरूप नहीं बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसी कोशिका है जैसे अमीबा और हमारे रक्त में पाए जाने वाली कोशिका WBC जो अपना आकार और स्वरूप निरंतर आपका बदलती रहती है, तो आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है अपना आकार और स्वरूप निरंतर बदलती रहती है, तो आपका अमीबा और एक हो गया WBC, ल्यूकोसाइट और अमीबा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जी, आने वाला समय में आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। हालांकि कोशिका जो है, कोशिका की संख्या जीव जंतु के आकार पर निर्भर करता है, जैसे एक चूहा में और एक हाथी में बोलेगा तो एक चूहा में कोशिका की संख्या कम होगा और हाथी में कोशिका की संख्या बहुत ही ज्यादा होगा, तो आकार पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और याद रखिएगा, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक को मिलने से अंग बनता है, अंग से मिलने से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र आपका कई मिला दीजिएगा तो आपका एक बॉडी कहला जाएगा, एक शरीर कहला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कौन सी कोशिका अपना स्वरूप और आकार बदलते रहती है, तो अमीबा और डब्ल्यू बी सी अपना आकार और स्वरूप निरंतर बदलते रहती है, बाकी कोई भी कोशिका अपने आकार और स्वरूप बदलता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कोशिका शब्द का प्रयोग कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिकाओं आपका जो है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कोशिका के खोज के बारे में आते हैं, कुछ वैज्ञानिक के बारे में आइए यहाँ पर। कोशिका का वास्तविक खोज आपका पहली बार ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से, मतलब पहली बार ये क्या किया कि कोशिका को खोज करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया, और सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के बाद ये कोशिकाओं को आपको देखा, कहाँ पर देखा, तो एक लकड़ी का छोटा सा गुटका में देखा है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा में ये देखा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्क कैबियम, ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्क की एक पतली काट, काट मतलब लकड़ी का गुटका में ये देखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी है, ध्यान रखना है, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में, मधुमक्खी के आपका छत्ते जैसी कोठरियां आपको देखता है इसमें, और इसी को रॉबर्ट हुक क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, मतलब कोशिका का नाम कौन दिया, तो आपका सेल, कोशिका शब्द प्रयोग कौन किया, तो आपका जो है सेल कौन नाम दिया, तो आपका रॉबर्ट हुक दिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, रॉबर्ट हुक कहाँ का वैज्ञानिक था, इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लैंड के व्हाइट द्वीप आपका जो है में हुआ था इनका जन्म, आपका कब हुआ था, तो आपका जो है 18 जुलाई 1635 को इनका जन्म हुआ था, और 1665 में ये कोशिका के बारे में जानकारी दिए थे। रॉबर्ट हुक के पिता आपका जो है जॉन रॉबर्ट चर्च में पुरोहित रहते थे, ध्यान रखना है, बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लिवेनहॉक, और लिवेनहॉक जो था ये जीवित कोशिका का खोज कर दिया, हालांकि रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किए थे, ये मृत कोशिका खोज किए थे, लेकिन आपका जो है लिवेनहॉक एक आपका जीवित कोशिका, और ये आपका जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किए, ये आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किए, और प्रयोग करके आपको जो है ये जीवित कोशिका के बारे में बताएं, और प्रोटोजोआ के बारे में भी बताएं, और जीवाणु के बारे में बताएं, पहली बार कौन, तो लिवेनहॉक, ध्यान रखना है। हालांकि लिवेनहॉक 1674 में आपका जो है जीवित कोशिका या जीवाणु का खोज करने का काम किए थे, जीवाणु प्रोटोजोआ आदि को देखने का काम किए थे लिवेनहॉक, ये आपको ध्यान रखना है। एक रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है, तो रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्र का खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए, कोशिका के केंद्र का खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, पूरा आपका रिवीजन होगा,
इस वीडियो में आपको जो है 2-2.5 घंटे आपका रिवीजन चलेगा और पूरा बायोलॉजी का रिवीजन आपको जहां तक देखते हैं, अगर फिर बच जाएगा तो अगली वीडियो आपको बना देंगे और वहां पर फिर आपको कल भी रिवीजन आपको दे देंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप लोग आइए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग जिनका भी 68वीं बीपीएससी का एग्जाम है या आने वाला समय बिहार दरोगा का एग्जाम आपको देने वाले हैं या बिहार SSCGL का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे SSC का या रेलवे का, कहीं पर भी आपका एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं बनता है। लेकिन आप हमारे साथ रेगुलर रहिएगा, रिविजन बार बार करिएगा, एक बार नहीं कई बार हम आपका एक टॉपिक को रिविजन कराते हैं, ध्यान रखना है। शनिवार रविवार 2.5 से 3 घंटा रिविजन ही चलता है, ध्यान रखना है। तो रिविजन में आपको बैठिएगा, सुनिएगा, बार बार समझिएगा और घर पर भी रिविजन करिएगा तो आपको तैयारी ताबड़तोड़ हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। कटअप से भी 10 से आपका 20 नंबर आगे आप लाइएगा और तब कहिएगा कि हमको छाटने का किसी का औकात नहीं है, कैसे छाट देगा, ध्यान रखना। तो तैयारी इस तरह होना चाहिए कि छाटने वाला को भी या आपका जो है, हम आपका जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारा रिजल्ट होगा तो होगा, ऐसा तैयारी होना चाहिए। कभी दुविधा में नहीं जिए कि 2 नंबर से छूट गया, 1 नंबर से छूट गया, हम कटअप से भी 10 नंबर आगे लाएंगे, कैसे छूट जाएगा, तैयारी इतना शानदार होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो आप हमारे साथ भी आप रिविजन करिए, रेगुलर क्लास करिए और इसके बाद आपका जो कहते हैं उस आपका आधार पर चलिए और घर पर भी 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, इतना में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, किसी का औकात नहीं कि आपका रिजल्ट को रोक देगा, ध्यान रखना है। तो आप अपने रिजल्ट के लिए बेहतरीन तरीका से मेहनत करिए। आज आप ऑनलाइन जुड़ते हैं घर पर बैठ करके, कहीं पर स्थिर माइंड में आपको जो है स्थिर होकर के आपका देखते हैं, तब आपका जो है तैयारी शानदार होगा। और आज ही आपका जो है नहीं देखिएगा, बस 2 मिनट देखिएगा, निकल जाइएगा, भाग जाइएगा, तो आपको जो उससे तैयारी कभी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। तो दुनिया को त्यागना होगा, कुछ पाने के लिए हमको त्याग करना ही पड़ता है। आप अगर गांव पर हैं तो आपको अगल बगल के दोस्त कहेगा चलो क्रिकेट खेलने, तो फुटबॉल खेलने, तो ही खेलने, तो वो खेलने, इधर आपका उधर तरह तरह का आपका जो है काम, या घर में भी काम आ जाएगा, तो काम धाम सारा छोड़ करके देखिए, काम या कोई भी आपका खेल अगर आपका जो है मनोरंजन करते हैं तो वो मनोरंजन या आपका काम कोई दूसरा आदमी कर सकता है, लेकिन पढ़ाई आप ही कर सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके अलावा आपके कोई दूसरा कोई करते पढ़ाई, यानी कि अगर आप कुछ बन जाते हैं और आपको बिना पढ़े आप, मतलब माता पिता पढ़ेंगे या कोई दूसरा कोई पढ़ते और आप कोई ऑफिसर बन जाते हैं, तो क्या होता कि हर आदमी आपका, हर आपका जो है बेटा का माँ बाप आपको पढ़ता और अपना बेटा को अच्छा आपको जो है जगह पोस्टिंग करवाता। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आपके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हंस के पढ़िए, चाहे रो के पढ़िए, जैसे ही पढ़िए तो बाबू आपको लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई से नाता रखना है, दुनिया के किसी भी चीज से हमको नाता नहीं रखना है। बस दिन रात हमको अपना दिमाग में वही चीज नाचते रहना है कि बस हमको कुछ बनना है। अगर आपका शरीर पर वर्दी लेना है तो डबल स्टार का सपना देखना है, या बीपीएससी में आपका जो है SDM बनना है, चाहे कोई अच्छा पोस्ट पर जाना है तो उसका सपना देखना है कि हमको बनना है तो बनना है हर हाल में। तो इसके लिए आपको त्याग बलिदान सब आपको जो है करना पड़ेगा, अपने अपने आप में लीन होना पड़ेगा, पूरा दुनिया को छोड़ करके अपने आप में लीन हो जाइए, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है लिवेनहॉक, ध्यान रखना है। तो यहां पर रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन क्या किया, तो आपका जो है कोशिका के केंद्र का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्र का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र का खोज किया। एक था दुर्जाडिन, तो दुर्जाडिन जीव द्रव का खोज किया, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा दुर्जाडिन किसका खोज किया, जीव द्रव का खोज किया। लेकिन एक है पुरकिंजे, पुरकिंजे वैज्ञानिक जो थे इन्होंने आपका जीव द्रव का नाम दिया, जीव द्रव का नाम देने का काम कौन किया, तो आपका पुरकिंजे, यानी प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया पुरकिंजे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन स्वान का नाम सुने होंगे आप लोग, स्लाइडेन स्वान जो था ये कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था,
लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत चलाक है, बहुत तरह से आपका क्वेश्चन आपको जो है कॉन्सेप्ट से देता है, ध्यान रखना। देखिए स्लाइडेन, तो स्लाइडेन क्या कहा था, स्लाइडेन बोला था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, मतलब पेड़ पौधा का शरीर जो होता है सूक्ष्म आपका कोशिकाओं से बना होता है। कौन कहा था, तो ये स्लाइडेन बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्वान क्या कहा, स्वान बताया कि जंतु का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये स्वान साहब बताए थे। दोनों मिल करके बाद में आपको जो एक सिद्धांत दे दिए, उसी सिद्धांत का नाम था स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान रखना है। फिर यह दोनों जर्मन वैज्ञानिक, दोनों जर्मनी का वैज्ञानिक था, अध्ययन करके आपका एक मत का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातों को जरा देखिएगा। एक कोशिका सिद्धांत में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है, ये पहला पॉइंट बोला गया कोशिका सिद्धांत में। कहा गया प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका सजीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है, ये दूसरा पॉइंट बताया गया। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट में बताया गया कोशिकाएं आधार रूप से एक समान होती है जिसमें जीव द्रव केंद्रक और कोशिकाएं अंग होती है, मतलब कोशिका के अंदर भी कुछ आपका अन्य अंग होता है, आपका कुछ लिक्विड होता है उसका भी केंद्रक होता है, ये कोशिका सिद्धांत में बताया गया है। कोशिकाओं पर पतली कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति होती है, जंतु बोलेगा तो कोशिका झिल्ली और पेड़ पौधा बोलेगा तो कोशिका भित्ति होता है, ये भी बात बताया गया। और पांचवा नंबर पॉइंट बताया गया कि सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी की क्रिया एक समान होती है, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाओं को शरीर का संरचनात्मक इकाई हम लोग क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोशिका सभी प्रकार की कोशिकाओं में रासायनिक संगठन एवं उपापचय की क्रियाएं मान होती है, इसलिए हम लोग शरीर का रचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं, तो कोशिका को। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यह भी कोशिका सिद्धांत में ही बताया गया है। कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, यह भी कोशिका में, कोशिका के अंदर में ही आपका डीएनए आरएनए गुणसूत्र वगैरह जीन वगैरह सब इसी में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक जो एक संतति से दूसरे संतति तक वंशानुगत चलते रहता है, अनुवांशिक गुण, यही बता दिया गया। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होता है, यही बताया गया। तो कोशिका सिद्धांत के कुछ प्रमुख बातों को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट बताया कि जीव जंतु का शरीर जो होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। फिर इसके बाद बताएं कोशिका हमारा शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। फिर बताएं कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका अंग होता है, जीव द्रव होता है, ये बताया गया। इसके बाद बताया गया कि आपका जो कोशिका नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहेगा कौन सी कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातों में नहीं शामिल किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये भी ध्यान रखना है। स्लाइडेन पादप कोशिका के बारे में जानकारी दिया और स्वान जंतु कोशिका के बारे में जानकारी देने का काम किया। चलिए अब देखिए जीव द्रव के बारे में, देखिए जीव द्रव के बारे में भी आपको बताए थे। जीव द्रव का खोज किया था दुर्जाडीन, इसका खोज किया था दुर्जाडीन, ध्यान रखना है दुर्जाडीन इसका खोज किया था, लेकिन इसका नाम दिया पुरकिंजे, पुरकिंजे 1839 में जीव द्रव का नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। जीव द्रव का नाम दिया कौन, पुरकुंजे, और यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा और वजन युक्त पदार्थ होता है, और ये आपका जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होता है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। मतलब जितना भी जीव जंतु है, जीव जंतु का सारा क्रियाएं जो है, जितना भी जैविक क्रिया है, वो जैविक क्रिया आपका किसके द्वारा होता है, तो जीव द्रव के द्वारा, आपसे ये भी एग्जाम में पूछेगा। जैविक क्रिया, जितना भी जैविक क्रिया है, वो सारा जैविक क्रिया किसके द्वारा, तो जीव द्रव के द्वारा, और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जीव द्रव को दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव और एक हमारा केंद्रक द्रव होता है, ध्यान रखना है। कोशिका द्रव केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, जैसे हमारा ये हो गया कोशिका,
अगर ये हमारा सेल लेते हैं, कोशिका लेते हैं, जंतु कोशिका, हालांकि पादप कोशिका लीजिएगा तो आपको लगभग आयताकार जाएगा पादप कोशिका। ये होता है हमारा केंद्रक, यहां भी हमारा केंद्रक हो गया, ध्यान रखना है। अब देखिए कोशिका के सबसे बाहरी परत पर जो आपका झिल्ली होता है, सुरक्षा कवच होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना है। और ये हमारा केंद्रक हो गया, तो केंद्रक के बाहरी परत पर भी एक झिल्ली रहेगा, उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहेंगे। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कुछ गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक के अंदर कुछ गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव। ये आपको ध्यान रखना है, उसको केंद्रक द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जीव द्रव कितने प्रकार का? दो प्रकार का, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव हमारा जीवन का भौतिक आधार है जी, जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं? जीव द्रव को। किसी भी जीव जंतु में आपका जो है जैविक क्रिया किसमें संपन्न होता है? तो जीव द्रव में। जीव द्रव का खोज कौन किया? तो आपका जीव द्रव का खोज कौन किया था? तो आपका ये दुर्जाडीन। और जीव द्रव का नाम कौन दिया? तो आपका पुरकिन जी। लेकिन जीव द्रव का सिद्धांत बोलेगा तो मैक्स सुल्ज ने दिया था। मैक्स आपका सुल्ज ने जीव द्रव का सिद्धांत दिया था। मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जीव द्रव में कुछ पदार्थ पाया जाता है, तो जीव द्रव में देखिएगा तो जीव द्रव में 99% आपका जो है चार प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है ये जीव द्रव। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है इसमें 76%, ऑक्सीजन 76%, फिर कार्बन होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जीव द्रव में कौन कौन सा तत्व मिलेगा? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जीव द्रव में चार मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है। और बाकी आपको जो है जीव द्रव में आपका 80% भाग आपका जल होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात जो होता है, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 81:19 होता है, 81:19 होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा ये सब, तो आप लटक जाइएगा और कहेगा कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। भाई आपके थ्योरी से पूछता है, थ्योरी पर ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक थ्योरी आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आपके आपका जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। आज का समय या आज के समय में जो भी आपका क्वेश्चन आता है बहुत ही आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के देता है, क्वेश्चन को सेट करता है। हाँ 40-45% क्वेश्चन तो इजी आपको रहेगा, लेकिन 40-45% या 50% में रिजल्ट होने वाला बात नहीं है। आपको रिजल्ट लेने के लिए 70-80% आपको बीच में लाना पड़ेगा नंबर, तब जा करके आपका रिजल्ट होगा। और इसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आपको जो है क्लियर होगा। तो जीव द्रव कितने प्रकार का? दो, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव में कितने प्रकार का तत्व होता है? तो आपका जो है चार, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ध्यान रखना है। और आपका जल भी होता है, इसमें अकार्बनिक कार्बनिक का रेशियो 81:19 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना भी हम आपको बताए थे, कोशिका की संरचना में आप देखिएगा तो कोशिका की संरचना आपका जो है में कोशिका तीन, आपका कोशिका के आकार जो है कोशिका का तीन भाग बांटा गया। कोशिका की संरचना में सबसे पहला हमारा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका कोशिका द्रव और तीसरा है आपका केंद्रक, ध्यान रखना है। तो सबसे बाहरी वाला परत जो आप देखने के लिए आपको मिल रहा है, सबसे बाहरी वाला परत जो आपको ये मिल रहा है ये वाला, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो आपका कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना है। और ये हमारा अंदर में हो गया केंद्रक, हमारा अंदर में क्या हो गया? तो आपका केंद्रक, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा अंदर में हो गया केंद्रक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये हमारा हो गया केंद्रक, ध्यान रखना है केंद्रक हो गया। सबसे बाहरी वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है तो ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली। और यहां पर देख रहे होंगे कोशिका झिल्ली आपका दो स्तर की होती है,
ये आपका एक पहला स्तर हो गया और एक हमारा दूसरा स्तर हो गया। मतलब इसमें दो परत होता है, कोशिका झिल्ली कितने परत वाली होती है, दो परत वाली, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार दरोगा में आपका पूछा हुआ है, बिहार दरोगा पीटी में पूछा है कि कोशिका झिल्ली कितने परत की होती बनी होती है, तो आपका दो परत, ये आपसे पूछा हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद ये केंद्रक हो गया, हालांकि केंद्रक में भी आपको चारों तरफ दो परत वाला आपका झिल्ली रहता है, इसमें ध्यान रखना है और आपका ध्यान रखना है। इसके बाद कोशिका द्रव हो गया, कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा कण मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका अंग, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका अंग, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोशिका, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और कोशिका में 70-90% वाटर होता है, 10-15% प्रोटीन होता है, 3% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2% लिपिड होता है और 5-7% न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका इतना याद रहेगा आप लोग को। चलिए बताइए तो हम आप लोग से पूछते हैं क्वेश्चन, आपका जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन कौन जवाब दीजिएगा देते हैं, तो जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं, चलिए कमेंट करके बताइए तो कौन कौन जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना पढ़ाए ना जी, कोशिका पढ़ा दिए, कोशिका की प्रमुख बात, कुछ वैज्ञानिक के बारे में बता दिए और वैज्ञानिक नाम भी बताएं, तो आपसे पूछते हैं तो आप बताइए कमेंट में। चलिए आपसे पूछेगा, बताइए कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था, चलिए कमेंट करिएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था, ये आपसे पूछेगा, दम आंसर फटाफट आना चाहिए। चलिए आंसर भेजिए, कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया, चलिए बताइए, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ाए पर ध्यान दीजिए, वन लाइनर सब बन रहा है, सब मिलेगा। अभी जो जवाब पूछ रहे हैं उस जवाब का आपका जो है क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए तो कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार रॉबर्ट हुक ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका शब्द का प्रयोग। फिर कहेगा जीव द्रव का खोज कौन किया, चलिए बताएं जीव द्रव का खोज कौन किया और जीव द्रव का नाम कौन दिया, आपसे पूछेगा जीव द्रव का खोज कौन किया, तो जीव द्रव का खोज आपका दुर्जाडीन और जीव द्रव का नाम आपका पुरकिंजे। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है जी, जल होता है, उसके बाद 10-15% क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 10-15% आपका प्रोटीन होता है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं, तो देखिए प्रत्येक कोशिका के आपको जो है सबसे बाहरी परत पर एक द्विव स्तरीय दो स्तर वाली एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये अर्ध पारगव्य झिल्ली होता है, इसमें पूरी तरह से बाहर वाला पदार्थ अंदर नहीं जाएगा, कुछ आपका पदार्थ बाहर रुक जाएगा, यानी कि आपका जो है छन्ना पत्र की तरह आपको काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, छानने का भी काम करता है। अर्ध पारगव्य का अर्थ होता है वस्तुएं उसके आर पर आसानी से आ जा सकती है, सभी पदार्थ नहीं, कुछ पदार्थ को छोड़ करके, और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं इसको, दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, इसके बीच बीच में अनेक आपका छिद्र मौजूद होते हैं, और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा लिपिड और प्रोटीन, और यहाँ पर प्रोटीन के दो परत, इसमें कोशिका झिल्ली प्रोटीन के कितने परत, दो परत, और लिपिड के एक परत पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोशिका झिल्ली का काम, तो कोशिका झिल्ली का सबसे मेन काम है कोशिका के आकार को निश्चित करना, सबसे मेन काम याद रखिए, कोशिका का आकार निश्चित आपका बनाए रखना, किसका मेन काम होता है, तो कोशिका झिल्ली का, और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कौन, तो कोशिका झिल्ली, और वह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर जाने में नियंत्रित करता है कौन, तो कोशिका झिल्ली, क्योंकि अर्ध पारगव्य झिल्ली है, और जंतु में यह आपका सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में भी
आपका सहायता करता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोशिका झिल्ली का काम याद रखिएगा, सॉरी कोशिका का सुरक्षा कवच है, बाहर वाला पदार्थ को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर वाला पदार्थ को बाहर नहीं जाने देगा। चयनात्मक झिल्ली हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और कोशिका झिल्ली का सबसे मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखना। कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखना किसका काम है, तो आपका कोशिका झिल्ली का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक सहारा भी देता है। अब देखिए कोशिका वृद्धि, तो आप याद रखिएगा जंतु में बोलेगा जंतु की कोशिका के बाहर में आपको कौन सा परत होता है, तो कोशिका झिल्ली। लेकिन पेड़ पौधा बोल देगा तो कोशिका भित्ति, पेड़ पौधा बोल देगा तो कोशिका भित्ति, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये पादप कोशिका के चारों ओर, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा रहता है। मतलब जैसे ये पेड़ पौधा का कोशिका हमारा है ना, ये आपका मान लीजिए हमारा इस तरह से पेड़ पौधा की कोशिका है, तो ये इस आपका इसके चारों सबसे बाहरी परत पर चारों ओर आपका झिल्ली रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, कोशिका भित्ति, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका जो है ये सेलुलोज का बना होता है जी, और ये भी पारगम्य होता है, पूरी तरह से आपको जो है पदार्थों को आपको जाने में सहायता करता है, ये ध्यान रखना है। संरचनात्मक दृढ़ होता है, मजबूत होता है, ये ध्यान रखना है। कड़ा और निर्जीव होता है, हालांकि ये कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, इसमें अस्थूलन की क्रिया होती है, ध्यान रखना है। और यह मुख्य रूप से पेड़ पौधे कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के स्थान पर पाई जाती है, और इसका काम ध्यान रखना है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस याद रखिये कोशिका झिल्ली, कोशिका से झिल्ली लिपिड और प्रोटीन, उसी को हम लोग काइटिन भी कहते हैं। लिपिड और प्रोटीन को मिला दीजिएगा तो आपको काइटिन बन जाएगा। तो जंतु की कोशिका झिल्ली काइटिन का बना होता है, और पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी काम है कोशिका के आकार को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को रक्षा और सहारा देना, कोशिका झिल्ली को रक्षा करना, या कोशिका को दुखने से बचाना, ये कोशिका भित्ति का काम है। चलिए अब देखिए कोशिका द्रव, यानी इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा। तो बस सिंपल याद रखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाला द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका कोशिका द्रव, ध्यान रखना है। ये केंद्रक हमारा है, केंद्रक है, और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं बाहर में वो आपका कोशिका झिल्ली है, और इसमें दो भी लिक्विड आपका पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका केंद्रक ये कोशिका द्रव कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव कहेंगे। तो कोशिका आपका जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव होता है, और इसमें खनिज लवण, जल, आपका कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि आपका होता है, और ये निर्जीव होता है। ये भी ये गाढ़ा परभाषी चिपचिपा होता है, ये आपका समरूप समांग पदार्थ नहीं होता है, इसमें सब जगह सेम आपको लिक्विड मिला हुआ नहीं रहता है, इसमें कई आपका रचनाएं मिलती है, उसी रचनाएं को हम लोग कहते हैं कोशिका अंग, ध्यान रखना है। कोशिका अंग मतलब कोशिका अंग आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका कोशिका आपका द्रव में मिलेगा। ये जो विभिन्न प्रकार के आकृति आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये विभिन्न प्रकार की आकृति देखने को मिल रहा है आपको, यही हमारा क्या है, तो कोशिका अंग है। तो कोशिका अंग कहाँ मिलेगा, तो आपका कोशिका द्रव में, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका द्रव में आपका कोशिका अंग होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा आपका जो है बात नहीं है, बस याद रखिएगा इतना इम्पोर्टेंट। चलिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका अंग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। वायरस मतलब जीवाणु में, विषाणु में भी, वायरस बोले तो विषाणु में भी किसी प्रकार का कोशिका झिल्ली नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका अंग या कोशिका द्रव में पाए जाने वाले संरचना, तो देखिए विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में कई छोटी छोटी रचनाएं होती है, उसको हम लोग कोशिका अंग कहते हैं। मतलब सिंपल कहिए ना, तो कोशिका अंग कहाँ मिलेगा, तो कोशिका द्रव में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है इसमें, और उसमें देखने पर आपको जो है आपका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिख पड़ता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो आपको छोटे छोटे कई आपको जो है संरचना वाला दिखेगा, उसी को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं, जिसमें आपको अंतःसर्वजालिका, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब मिलता है। अब देखिए सबसे पहला है अंतःस्रावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो अंतःस्रजालिका जो होता है कोशिका के अंदर जो भी आपका ये लगभग आपको जो है ये बोलिए आपका बेलनाकार के आकार के जैसा या इस तरह से आपका जो आकार ये ऐसे मिला हुआ यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ध्यान रखना उसी को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी जालिका। ध्यान रखना है तो अंतःस्रजालिका जो होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये दो प्रकार का होता है, चिकनी और एक आपका खुरदरी। और इसका काम याद कर लीजिए, इसका मेन काम होता है आपका प्रोटीन का संश्लेषण, यानी राइबोसोम इसी में रहता है अंतःस्रावजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद दूसरा आइए आपका जो है दूसरा राइबोसोम आइए। राइबोसोम का खोज किया था जेई प्लाइडे, राइबोसोम का खोज किया कौन, जेई प्लाइडे। और ये राइबोसोम का क्या काम है तो बस प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये राइबोसोम कहाँ मिलेगा तो आपको आपका अंतःस्रावी जालिका में राइबोसोम मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान रखना है कि राइबोसोम अंतःस्रावी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं और राइबोसोम कोशिका द्रव में अकेले या गुच्छे के रूप में बिखरे रहते हैं। और जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में रहता है उसको पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। और आपका पॉलीराइबोसोम प्रोटीन यानी आरएनए की बनी होती है। और राइबोसोम का मुख्य काम क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और आपका जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद यह अवरोक्ष रूप से आपका आकार और घनत्व में व्यक्त करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राइबोसोम में कुछ नहीं, राइबोसोम का खोज कौन किया, जेई प्लाइडे ने किया। प्रोटीन का घड़ा किसको तो राइबोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है राइबोसोम। और जंतु कोशिका में कितने प्रकार का राइबोसोम होता है तो 80S प्रकार का होता है। और यानी यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में कितना तो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है तो गोल्जी बॉडी आपका ये भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है गोल्जी बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी में ज्यादा कुछ नहीं, गोल्जी उपकरण गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कौन किया, कैमिलो गोल्जी ने किया। और जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा था, ध्यान रखना। और ये छड़े हुए आपका जो है गुच्छे के समान दिखाई देता है गोल्जी बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका काम खाली याद रखिए, गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी का काम ध्यान रखना है। तो इसका काम है अंतःस्रावी जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ का संचय रूपांतरण या पैक करके कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। भेजने का काम, ले आने का काम आपका गोल्जी बॉडी। इसलिए कोशिका का यातायात किसको कहते हैं तो गोल्जी बॉडी को। कोशिका का यातायात किसको तो गोल्जी बॉडी को, ये आपको ध्यान रखना है। और कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक भी होता है, इसमें कुछ आपका कुछ एंजाइम वगैरह भी इससे निकलता है, इसलिए इसको हम लोग कोशिका का मुख्य श्रवण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लाइसोसोम एवं परिक्सोसोम का निर्माण में मदद करता है ये गोल्जी बॉडी। और कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शर्करा के जटिल शर्करा का निर्माण भी करता है और पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। कौन तो गोल्जी बॉडी। तो ज्यादा नहीं, कोशिका अंग में सबसे पहला बताएं अंतःस्रावी जालिका, फिर बताएं राइबोसोम, फिर बताएं गोल्जी बॉडी। तो अंतःस्रावी जालिका में ज्यादा कुछ नहीं, अंतःस्रावी जालिका क्या होता है तो कोशिका को आपको कोशिका में के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले रास्ता का निर्माण करता है, रास्ता बनाता है अंतःस्रजालिका। लेकिन ले जाने का काम करता है कौन तो गोल्जी बॉडी। और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है अंतःस्रजालिका। हालांकि प्रोटीन का संश्लेषण करने का मुख्य काम किसका होता है तो राइबोसोम का। राइबोसोम कहाँ पर होता है तो आपका जो है खुदरी अंतःस्रजालिका में होता है। राइबोसोम का खोज कौन किया, जेई प्लाइडे ने किया। और राइबोसोम आपका जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार का राइबोसोम तो 80 और प्रोकैरियोटिक में 70। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका का यातायात किसको कहते हैं तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम लोग कोशिका का यातायात कहते हैं। और कोशिका का मुख्य श्रवण अंग कौन होता है तो आपका गोल्जी बॉडी को। कोशिका का मुख्य श्रवण अंग किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। और लाइसोसोम परिक्सोसोम के निर्माण में मदद करता है कौन तो आपका गोल्जी बॉडी। चलिए लाइसोसोम आइए, लाइसोसोम में ज्यादा कुछ नहीं, लाइसोसोम में बस तीन चार बात याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, लाइसोसोम का खोज कौन किया तो डी डुबे। कौन खोज किया
डी डुब्बे ने। राइबोसोम बोलेगा राइबोसोम तो आपका जेई पलाइडे, लेकिन लाइसोसोम बोलेगा तो आपका डी डुब्बे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है तो आपका कोशिका का पाचन थैली इसको कहते हैं, कोशिका का आइटम बम परमाणु बम भी कहते हैं, कोशिका में अनावश्यक पदार्थों को आपका पचाने का भी काम करता है लाइसोसोम, ध्यान रखना है। तो लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था पहली बार अल्टमैन, कौन खोज किया था अल्टमैन, लेकिन अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम नहीं रखा था, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट रख दिया था, बायोप्लास्ट। बाद में बायोप्लास्ट का नाम बदल करके माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया तो बेंडा, कौन दिया बेंडा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन किया तो बेंडा ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा कुछ नहीं, कोशिका का सबसे इंपोर्टेंट अंग बोलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में कहां पर श्वसन की क्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान रखना है। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहां होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका को ऊर्जा देने का काम कौन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका में जो ऊर्जा बनता है किस रूप में तो एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वही भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है यहाँ पर, ऊर्जा मुक्त होता है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसमें एटीपी एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपका जो है के रूप में मिलता है। चलिए लवक आइए, लवक जो मिलेगा ये लवक ध्यान रखिएगा, ये लवक आपको पादप कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। फिगर में आप देख रहे होंगे ये लवक जो होता है ये पादप कोशिका में, ये तीन प्रकार का होता है, एक आपका वर्णी लवक, एक आपका हरित लवक और एक आपका अवर्णी लवक। तो ज्यादा कुछ नहीं, देखिए लवक प्लास्टिड जो होता है ध्यान रखना है तीन प्रकार का, और सिर्फ और सिर्फ किसमें तो आपका जो है ये पादप कोशिका में, एक वर्णी लवक, एक हरित लवक और एक अवर्णी लवक। देखिए अवर्णी लवक कहाँ मिलेगा तो पेड़ पौधे के जड़ में, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे, सूर्य का प्रकाश जहां पर नहीं पहुंचता है वहीं पर अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मिलता है, ध्यान रखना है। और क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक कहाँ मिलेगा तो पेड़ पौधे के फल फूल तना में मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे में फल फूल का रंग जो होता है, पत्ती वगैरह का रंग जो होता है इसी कारण होता है, वर्णी लवक के कारण, ध्यान रखना है। और पेड़ पौधे के मेन रूप से आपका पौधा के पत्ती में मिलेगा कौन, हरित लवक, हरित लवक पौधा के पत्ती मिलेगा, क्योंकि हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है, अगर पेड़ पौधे में हरित लवक नहीं होता तो ये भोजन का निर्माण नहीं करता। तो कौन सा लवक भोजन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है तो हरित लवक, और पेड़ पौधे में फल फूल का रंग किसके कारण तो वर्णी लवक, और पेड़ पौधे में जड़ में कौन सा लवक तो आपका अवर्णी लवक, ये आप ध्यान रखना है। तो बस इतना आप याद रखिए, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आइएगा तो आप देखिएगा टमाटर का रंग लाल किसके कारण, लाइकोपिन के कारण, गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग लाल विटामिन के कारण, मिर्च का रंग लाल कैप्सिकम के कारण, किस कारण कैप्सिकम, सेब का रंग लाल राइबोफ्लोविन के कारण, आलू का रंग हरा सोलेबिन के कारण, फल का रंग पीला जैल्थोफिल के कारण, हल्दी का रंग पीला कुकरमिन के कारण, पत्ती का रंग पीला कैरोटीन के कारण। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है दरोगा में पूछा था पिछला बार मिर्च का रंग लाल किसके कारण, आने वाला समय में 68वीं BPSC बिहार दरोगा या आपका जो है जो भी एग्जाम देने वाले हैं आप वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चुकंदर का रंग लाल विटामिन, गाजर का रंग लाल कैरोटीन, पिछला बार 2014 में बिहार CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गाजर का रंग लाल किसके कारण कैरोटीन, टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन, और सेब का रंग लाल राइबोफ्लोविन, आलू का रंग हरा सोलेबिन, फल का रंग पीला जैल्थोफिल, हल्दी का रंग पीला कुकरमिन और पत्ती का रंग पीला कैरोटीन। चलिए कुछ नोट्स में आप याद रखिएगा, नोट्स वाले पॉइंट में आपको याद रखना है, नोट्स वाले पॉइंट में दूध का रंग पीला किसके कारण कैरोटीन के कारण, लेकिन दूध का रंग सफेद किस कारण केसिन नामक प्रोटीन, हालांकि कैरोटीन केसिन क्या है तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ध्यान रखना है।
खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, और मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, और तिलचट्टा खून का रंग सफेद होता है, लाल नहीं होता है सफेद होता है, ये हीमोसाइनिन के कारण। और तिलचट्टा खून का रंग में हीमोसाइनिन के कारण होता है, जिसका मुख्य घटक क्या होता है? तांबा। तांबा होता है मुख्य घटक, ये आपको ध्यान रखना है, हीमोसाइनिन का मुख्य घटक तांबा होता है। चलिए तो इतना याद रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हरित लवक सभी पेड़ पौधे में मुख्य रूप से पाया जाता है जी, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है हरित लवक, और हरित लवक में क्लोरोफिल पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का अभिन्न अंग कहते हैं, क्यों? क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण आपका नहीं होगा। और जो मुख्य रूप से ग्रेना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, और ग्रेना स्टोमा का बना होता है ये क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया जो होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, वो ग्रेना में होता है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्टोमा में होता है। तो आप इतना याद रखिएगा, लवक में आपसे पूछेगा, ध्यान रखना है। अगला आगे देखते हैं। अब देखिए एक राजधानी है, तो राजधानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका कोशिका की राजधानी, चारों ओर से एक झिल्ली रहती है, उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तारक काय, आपका जो है तारक काय सेंट्रोसोम कहते हैं इसको। सेंट्रोसोम बेलन जैसी रचना दिखता है, जंतु कोशिका में केंद्रक के पास छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, चमकदार, ध्यान रखना है। इस तरह से थोड़ा सा फिगर और बड़ा करना चाहिए था, चमकदार क्षेत्र। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए केंद्रक में आइए, केंद्रक जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रक से आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कोशिका का यातायात किसको? तो गोल्जी बॉडी। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन का घड़ा राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ध्यान रखिएगा। और आपका जो है ये राइबोसोम कहाँ मिलेगा? तो राइबोसोम अंतःस्रावी जालिका मिलेगा, ध्यान रखना है। सब क्या है? तो कोशिका अंग है। कोशिका अंग कहाँ पर मिलेगा? तो कोशिका द्रव्य में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। तो केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर में एक आपका जो है बड़ा, ध्यान रखना है, गोला गोल संरचना पाई जाती है, कोशिका के अंदर बड़ा गोल संरचना पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा केंद्रक है और ये भी हमारा केंद्रक है, और बाकी केंद्रक के बगल में जो आपका विभिन्न प्रकार की संरचना जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? तो कोशिका अंग है। कोशिका अंग, ये हमारा पादप कोशिका है और ये हमारा जंतु कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है। पादप कोशिका का आकार आयताकार और जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है जी। केंद्रक भी दोहरी आपका जो है परत वाली झिल्ली से ढकी रहती है। केंद्रक भी कितनी परत वाली? दोहरी परत झिल्ली, दोहरी परत वाली झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भर रहता है, उसको हम लोग केंद्रक द्रव या न्यूक्लियो प्लाज्मा कहते हैं। और केंद्रक में ही महीन धागे की जाल पाई जाती है, बहुत सारा छोटा छोटा महीन आपको जो है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसा ही केंद्रक के अंदर में आपका जो है कई छोटे छोटे आपका जाल जैसी रचना पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन जालिका, उसी को कहते हैं क्रोमैटिन जालिका। और क्रोमैटिन जालिका डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और यही कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन के बाद ये आपका जो है क्रोमैटिन जालिका कई छोटे छोटे रूपों में बढ़ जाती है, और वही बढ़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। बटे हुए रूप को क्या कहेंगे? तो गुणसूत्र कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए, डीएनए। और डीएनए आपको जो है आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीन,
ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका गुणसूत्र, डीएनए और जीन तीनों है आपका जो है क्या है, तो तीनों अनुवांशिक गुण को बनाए रखता है या एक जीव से दूसरे जीव में ले आने का काम आपको करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर के कई छोटे मोटी रचना में बदल जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, मतलब सबसे छोटा खंड को। डीएनए बाद में जो आपका जिस पार्ट में टूटता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। ये जीन पैतृक गुणों को वाहक होता है, अंततः आपका डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, अनुवांशिकी पदार्थ, और जीन को अनुवांशिकी इकाई। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रक का प्रमुख काम देखिए। केंद्रक का प्रमुख काम आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो किसी भी जीव में कोशिका का विभाजन नहीं होगा, बिना केंद्रक का कोशिका विभाजन पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। या एक बात और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, केंद्रक कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सारी उपापचयी या जैविक या रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आपसे ये भी पूछेगा कोशिका का कौन सा पार्ट है, कोशिका कौन सा भाग है जो कोशिका के अंदर होने वाले सभी प्रकार के उपापचयी क्रिया को या जैविक क्रिया या रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन, तो आपका केंद्रक, ध्यान रखना है। और कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिका के विकास एवं परिपक्व को नियंत्रित करता है, और केंद्रक प्रोटीन के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए को उत्पन्न करता है। जी मतलब डीएनए आरएनए जो नाम सुने हैं वो डीएनए आरएनए कहाँ मिलेगा, तो आपको केंद्रक के अंदर मिलेगा, केंद्रक के अंदर। तो याद रखिएगा कोशिका के केंद्रक का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट ब्रॉन ने किया। और केंद्रक आपका कोशिका के अंदर में होता है, आपका बड़ा वृत्ताकार आपका क्षेत्र होता है, केंद्रक के अंदर भी कुछ गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। हालांकि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव जीव द्रव का ही पार्ट होता है, ध्यान रखना है। और केंद्रक का मेन काम याद रखिएगा क्या है, तो कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, तो केंद्रक। और कोशिका में होने वाले अनेक प्रकार के उपापचयी क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा, तो केंद्रक, केंद्रक करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनेक प्रकार के उपापचयी क्रिया, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। चलिए अब एक होता है केंद्रिका, केंद्रिका किसको कहते हैं, तो केंद्रक आप देखें ना, केंद्रक के अंदर में जो गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका का खोज किया था फेलिक फोंटाना, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो है वही कह रहा है केंद्रक का खोज फेलिक, केंद्रिका का खोज फेलिक फोंटाना ने किया। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, और कम क्रिया एक कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती है, पाई जानी नहीं पाई जाती है, लेकिन सक्रिय श्राविक कोशिकाओं में यह बड़ी संख्या में पाई जाती है। चलिए इसका काम, इसका मेन काम है आरएनए का संश्लेषण करना, आरएनए का निर्माण करना, और कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाना। एक किसका काम है, तो केंद्रिका का, केंद्रिका का, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए गुणसूत्र में आइए, तो गुणसूत्र में ज्यादा कुछ नहीं है आपका, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। गुणसूत्र जो होता है हमारे आपका जो है ये केंद्रक के अंदर, ध्यान रखिएगा, ये महीन लंबे और अत्यधिक कुंडली धागे रुमा रचना होता है, उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। और इसी कारण आपका जो है अनुवांशिक गुण आपका बनाए रखता है किसी जीव में, गुणसूत्र के कारण ही। और यह मेन रूप से कहें तो बेलनाकार होता है, बेलनाकार के आकार जैसा, यह हमारा गुणसूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। यह हमारा गुणसूत्र है बेलनाकार के आकार के जैसा। गुणसूत्र के तीन भाग, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स, ये गुणसूत्र का तीन मुख्य रूप से भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप देख रहे हैं गुणसूत्र। चलिए गुणसूत्र के सबसे बाहरी वाला भाग को, मतलब जो बेलनाकार भाग देखें आपको, सबसे बाहरी वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, तो पेलिकल। और बाहरी वाला भाग जस्ट अंदर वाला भाग जो होता है उसी को कहते हैं मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। और मैट्रिक्स में आपका जो है क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडली धागे के समान रचना दिखाई देता है, उसी को कहते हैं क्रोमैटिड्स, ये वाला ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बाहरी वाला पार्ट हमारा हो गया पेलिकल, अंदर वाला भाग हो गया मैट्रिक्स, और ये आपका जो है जो कुंडली आपका नुमा रचना दो जा रहा है इसे, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स, ये आपको ध्यान रखना है, या इसी को हम लोग कहते हैं अर्धगुणसूत्र, ये आपको ध्यान रखना है अर्धगुणसूत्र। तो गुणसूत्र के सबसे बाहरी भाग को पेलिकल, गुणसूत्र के अंदर वाले भाग को मैट्रिक्स, और गुणसूत्र के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आपका जो है दो समानांतर कुंडली धागे के समान रचना आपका जो है मुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं क्रोमैटिड्स या अर्धगुणसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक क्रोमैटिड्स या दो से अधिक महीन कुंडली धागे समान रचना होती है, जिसे हम लोग क्रोमिनिमेट्टा कहते हैं, ध्यान रखना। मतलब एक तरह से कहिए क्रोमिनिमेट्टा जो होता है ये क्रोमैटिड्स का ही आपका बदला हुआ रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रोमैटिड्स जो होता है वो किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। गुणसूत्र के अंदर जो धागे नुमा रचना है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। वो किसका बना होता है, तो आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम, यहां पर आइए, ध्यान रखना है, यहां पर देखिएगा क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर जहां पर मिलते हैं, ध्यान रखना है, उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे ये वाला, ये आपका ऊपर वाला क्रोमैटिड्स और नीचे वाला क्रोमैटिड्स एक जगह मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। इसमें आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होता है जो क्रोमोसोम के आकार को निश्चित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र के आकार को निश्चित कौन करता है, तो आपका सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के आकार को निश्चित कौन करता है, तो सेंट्रोमियर, ये आपको याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, गुणसूत्र कहाँ होता है जी, तो आपका केंद्रक के अंदर। गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का निर्माण कब होता है, कोशिका विभाजन के समय। गुणसूत्र आप क्रोमैटिन जालिका से, क्रोमैटिन जालिका। गुणसूत्र कौन किया था, वाल्डेयर। कौन खोज किया था, वाल्डेयर। गुणसूत्र के बारे में जानकारी दिया था वाल्डेयर, ध्यान रखना है। और आपका गुणसूत्र के कितने पार्ट, तीन पार्ट। पहला कौन, तो आपका जो है पहला हो गया हमारा, ध्यान रखना है, सबसे बाहरी वाला भाग को पेलिकल, फिर अंदर वाला भाग को मैट्रिक्स, और जो धागे नुमा रचना मुड़ा हुआ उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। वही क्रोमैटिड जो होता है अनुवांशिक गुण को एक जीव से दूसरे जीव में ले आने का काम करता है क्रोमैटिड्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और, गुणसूत्र के सबसे शीर्ष वाला भाग को हम लोग टेलोमियर कहते हैं, और जहां पर दो क्रोमैटिड्स मिलता है, दो क्रोमैटिड जहां पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, ध्यान रखना है। और सेंट्रोसोम ही आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर ही आपका गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है, और गुणसूत्र के सबसे ऊपर वाला पार्ट को टेलोमियर कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र की संख्या, आप जानते हैं गुणसूत्र की संख्या आपका मनुष्य में कितना, तो 46 होता है, ध्यान रखना है, 46 होता है। ड्रोसोफिला कोशिका में 8 होता है, मकई में 20 होता है, और टमाटर में 24 होता है, आलू में 48 होता है, मेढक में 26 होता है, और मक्खी में 12 होता है, कुत्ता में 78 होता है, बिल्ली में 38, हाइड्रा में 32। ड्रोसोफिला मक्खी में आपका 8 हो गया, और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र रेडियो लेरियन में होता है। कितना, 1600 गुणसूत्र रेडियो लेरियन में सबसे ज़्यादा कितना होता है जी, तो आपका 1600, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो लेरियन में 1600 गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र की संख्या सबसे कम एस्काइरिस में होता है। कितना, तो आपका 2 होता है, एस्काइरिस, एस्काइरिस में 2, और सबसे ज़्यादा रेडियो लेरियन में कितना, तो आपका 1600। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है, यानी कि आपको जो है 46, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम। 22 जोड़ा गुणसूत्र को ऑटोसोम, और बाकी एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोमोसोम, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है XY, जबकि महिला में XX होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिंग का निर्धारण किस पर, तो आपका पुरुष के गुणसूत्र पर, क्योंकि यदि पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलेगा तो उत्पन्न संतान लड़की होगा, जबकि पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो आपका लड़का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक जोड़ी
कि दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, ये तो यह दोनों क्रोमोसोम के समजात क्रोमोसोम भी कहते हैं, यानी हमारे गुणसूत्र में कितने जोड़ा समजात, तो एक जोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। समजात क्रोमोसोम को हम लोग द्विगुणित भी कहते हैं, समजात क्रोमोसोम को द्विगुणित, मतलब समान गुण वाला को रहेगा तो उसी को हम लोग द्विगुणित, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कायिक कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है कोशिका विभाजन के समय, ये पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था कौन, तो फ्रेडरिक मिक्सचर, ध्यान रखना है। न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था फ्रेडरिक मिक्सचर, ध्यान रखिएगा। एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, ध्यान रखना है, एक अनुवांशिकी पदार्थ बोलिए न्यूक्लिक एसिड, अगर ये नहीं रहेगा पदार्थ तो आपका डीएनए आरएनए का निर्माण कभी नहीं होगा, इसके बिना डीएनए आरएनए का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड हमारे आपका जो है जीव विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसका खोज किया था, ध्यान रखना है। वे यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को परीक्षित करते हो एवं कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अनुलेखित या अनुवादित करते हो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। मतलब सिंपल कहिए, हमारे कोशिका के अंदर ऐसा पदार्थ जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है या अनुवांशिक गुणों को सुरक्षित रखता है, अनुवांशिक गुणों को सुरक्षित रखता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसी को कहते हैं क्या, तो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लिक अम्ल जैव बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से बनते हैं, ये आपको ध्यान, मतलब कई छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के अणु मिला करके आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। बहुलीकरण के मतलब होता है आपका सरल पदार्थ को, सरल एकदम छोटे छोटे सरल पदार्थ को मिलाने से एक जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, इस विधि को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। तो कई आपका न्यूक्लियोटाइडों को मिलाने से आपका न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है, फास्फेट अणु होता है, ध्यान रखना है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है, एक आपका नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और एक फास्फेट, ध्यान रखना। लेकिन कहेगा कौन सा तत्व होता है, तो फास्फेट होता है जो आपका इसमें सब ज्यादा मात्रा में, न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य यौगिक उपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कौन कौन, तो आपका नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। चलिए अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक हमारा हो गया डीएनए, एक हो गया हमारा आरएनए। तो डीएनए ध्यान रखना है, डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो बताते हैं, खाली इतना ध्यान रखिएगा आपसे एग्जाम में इतना ही से क्वेश्चन आएगा। देखिए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होता है जी, केंद्रक के अंदर तो होता ही है, लेकिन केंद्रक के अलावा और कहां पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के अलावा और कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और आपसे पूछेगा, ध्यान रखना। इसलिए थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, बुक को आपको देखिए, शॉर्टकट में निकलने का प्रयास नहीं करिए, शॉर्टकट में निकलिएगा तो आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, आपका देर हो जाएगा और नौकरी होगा या नहीं भी होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा समय देकर के पढ़ने का कोशिश करिए, पढ़ करके उसको रिवीजन आपका करने का कोशिश करिए, बार बार रिवीजन करिए, लेकिन डीपली रिवीजन करिए, एकदम डिटेल ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल का एग्जाम जो है बहुत ही आपका जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना है। अभी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बढ़िया बढ़िया टीचर आपका फेल हो जाएगा, ध्यान रखना है, सब फिगर के माध्यम से बना के पूछ रहा है। तो जो भी अब एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा है वो आपका एरू गरूज को नहीं समझिए, क्वेश्चन सेटर जो आपका है सेट कर रहा है वो भी पढ़े लिखे इंसान है, काफी अच्छे आपको जो है ज्ञानी आदमी वहां पर बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको डाल रहा है, ध्यान रखना है। पहले डायरेक्ट स्पीडी ल्यूसेंट से आ गया, छप गया, हो गया, लेकिन आपको स्पीडी ल्यूसेंट को पढ़ा, आपका डायरेक्ट मार दिया, हो गया, लेकिन अब आपका जमाना चला गया, अब उससे बाहर निकलिए, एनसीईआरटी को थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछेगा आपसे, तो सबसे पहला पॉइंट कि डीएनए कहाँ होता है जी, तो केंद्रक में होता है, ठीक है केंद्रक में होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा और कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में भी होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिक्सचर, कौन खोज किया था,
फ्रेडरिक मिक्सचर ध्यान रखना है। लेकिन डीएनए के द्वीप कुंडल का खोज किया वाटसन और क्रिक, यानी डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए जो है द्वीप कुंडल वाला होता है, इस तरह से ध्यान रखना है। इस तरह से देखिएगा तो आपका डीएनए हमारा द्वीप कुंडल व्यास होता है और ये कई आपका इसमें आपको जब बंधन से जुड़ा हो रहता है ये डीएनए ध्यान रखना है। और इसमें आपका इसमें भी न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे आपका जो है कण इसमें पाया जाता है, ये सब आपको मिला हुआ रहता है। इस तरह से आपका डीएनए ये आपको ध्यान रखना है। देखिए शॉर्ट में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, आपका क्लास जब चलता है फाउंडेशन बैच या एक क्लास आपको जो है लाइव क्लास भी आपको जो है देंगे तो उसमें आप देखिएगा कि एक टॉपिक पर लगभग एक घंटा चर्चा होगा। ये डीएनए पर डीएनए पढ़ाते हैं तो आपको एक घंटा लगभग आपको पढ़ाएंगे फिगर के माध्यम से। ये सुपर फास्ट डिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग शॉर्ट में निपटने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में लड़ेगा उस आपके पॉइंट को हम लोग खाली देखेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक मिक्सचर ने पहली बार इसको खोज किया था, लेकिन डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया तो आपका वाटसन और क्रिक, कब दिया 1953 में। लेकिन इसी खोज के लिए इसी सिद्धांत के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, कब मिला तो 1962 में। डीएनए दो छड़ वाली होती है आपको दिख रहा होगा, डीएनए के द्वीप कुंडल का व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रम होता है, ये भी पूछा है एसएससी में। द्वीप कुंडल का व्यास देखिए यहाँ पर आपको गोले से रखिएगा तो यहाँ पर व्यास जो होता है वो द्वीप कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है, जबकि इसमें दो न्यूक्लियोटाइड के आपका बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रम होता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा तो कई न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेगा, कई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मिलेगा, छोटे छोटे कई कण मिलेगा, ये दो न्यूक्लियोटाइड और इसी से आपका जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोटाइड ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होता है 3.4 एंगस्ट्रम, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन डीएनए के द्वीप कुंडल का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीएनए को कृत्रिम विधि से परखनली में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग नामक विद्वान ने संश्लेषण किया था। कौन संश्लेषण किया था? कॉर्नबर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार तो आपसे पूछेगा डीएनए का खोज कौन किया तो आपका फ्रेडरिक मिक्सचर, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया वाटसन और क्रिक, और डीएनए एकल छड़ वाला कि दोहरी छड़ वाला तो दोहरी छड़ वाला होता है। डीएनए के आपको जो है द्वीप कुंडल का व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रम, और डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड के अणुओं के बीच की दूरी कितना होता है तो 3.4 एंगस्ट्रम, दो न्यूक्लियोटाइड के अणुओं के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होता है। और डीएनए को पहली बार कृत्रिम विधि से या प्रयोगशाला में या प्रखनली में आपको संश्लेषण कौन किया था तो कॉर्नबर्ग, कौन किया था कॉर्नबर्ग, ध्यान रखना है। अब आगे देखिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिनका नाम है हरगोविंद खुराना, ये जेनेटिक कोड का सिद्धांत दिए थे। कौन सा? जेनेटिक कोड का सिद्धांत। इसी जेनेटिक कोड के आधार पर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं और माता पिता या उत्पन्न संतान जो भी आपका जो है विवाद है उस विवाद का निपटारा करते हैं, ध्यान रखिएगा। हरगोविंद खुराना ही कृत्रिम विधि से जीन का संश्लेषण भी किया, कृत्रिम विधि से जीन का संश्लेषण, ध्यान रखना है। जीन को बनाया पहली बार कृत्रिम विधि, हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक था। जेनेटिक खोज के लिए इनको 1967 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी मिल गया। जेनेटिक खोज के लिए, किसके खोज के लिए? जेनेटिक खोज के लिए। पूछेगा आपसे एग्जाम में हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था तो आपको जो है ये जेनेटिक कोड के लिए, किसके लिए? कोड जेनेटिक, कृत्रिम जीन का संश्लेषण नहीं, ये बाद में खोज किए थे कृत्रिम जीन। प्रत्येक व्यक्ति में जेनेटिक कोड अलग अलग होता है जिसके कारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है और ये इसी आधार पर हम लोग माता पिता से उत्पन्न आपको जो भी संतान में विवाद है उस विवाद का निपटारा करते हैं। और ये भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट हैदराबाद में है, आपको पता ही होगा, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजिकल सेंटर में है, ये आपको ध्यान रखना। एक बात और याद रखिएगा, डीएनए के दोनों छड़ जो होता है ना वो हाइड्रोजन बंधन से आपको जो है बंधा होता है, वो हाइड्रोजन बंधन कभी कभी कमजोर होकर के टूट जाता है, टूट जाता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसको कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद आपका जो है जुड़ जाता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एसएससी में पूछा हुआ है सब क्वेश्चन, ध्यान रखना है। डीएनए के प्रकार
देखिए डीएनए समान रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है राइट हैंड डीएनए, एक होता है लेफ्ट हैंड डीएनए, ध्यान रखना है। एक होता है राइट हैंड डीएनए और एक होता है लेफ्ट हैंड डीएनए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको ध्यान रखिएगा, वही आपसे पूछेगा। राइट हैंड डीएनए और लेफ्ट हैंड डीएनए, देखिए यह डीएनए सभी जीव में पाया जाता है, सभी जीवों में समान रूप से कौन सा डीएनए, राइट हैंड डीएनए, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल डीएनए कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके डीएनए के द्वि कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रम, लेकिन लेफ्ट हैंड डीएनए के द्वि कुंडल का व्यास हम कितना 18 एंगस्ट्रम, ध्यान रखना है। और इस प्रकार के मतलब राइट हैंड डीएनए के डीएनए में प्रत्येक रोटेशन में आपको जो है कितना, तो 10 न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। एक रोटेशन में कितना मिलेगा, 10 न्यूक्लियोटाइड के अणु मिलेगा, जबकि लेफ्ट हैंड डीएनए में आपका 12 न्यूक्लियोटाइड के अणु मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। विषाणु में एकल क्षण वाला डीएनए होता है जी, हालांकि कुछ विषाणु में होता है, और समान रूप से कहें तो विषाणु में आपको जो है ये विषाणु में आपका डीएनए होता ही नहीं, आरएनए होता है, और डीएनए के जगह पर आरएनए होता है, और यही आरएनए विषाणु में अनुवांशिक गुण को ले आने का काम करता है, ध्यान रखना है। यानी विषाणु जो होता है प्रोटीन का बना होता है मेन रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। सभी सजीव का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहते हैं। डीएनए को अनुवांशिक इकाई के रूप में जाना जाता है, और अनुवांशिकी आपका जो है, अनुवांशिकी इकाई आपका जो है वास्तविक रूप से जीन को हम लोग कहते हैं। डीएनए के द्वारा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, और डीएनए केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में, ये आपको ध्यान रखना है। याद रहेगा इतना डीएनए के बारे में। आरएनए ध्यान रखना है, आरएनए क्या है, तो आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, किसका मेन काम होता है, आरएनए। तो डीएनए का काम है अनुवांशिक पदार्थ को, अनुवांशिक गुणों को बनाए रखना, या एक जीव से दूसरे जीव में ले आने का काम करना, डीएनए का काम। लेकिन आरएनए का काम है, ध्यान रखना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एकल छड़ वाला होता है, और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इसमें डीएनए के थायमिन बेस के जगह पर इसमें यूरिकल बेस होता है, बस यही अंतर है, इसलिए एकल छड़ वाला होता है। इसमें थायमिन बेस आपको जो है टी प्रकार का प्रोटीन जो होता है आपका डीएनए में होता है, जबकि आपका यू प्रकार का प्रोटीन जो होता है वो आरएनए में होता है, ध्यान रखना है। तो बस अंतर यही है कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए थायमिन बेस, और जबकि आपको जो है आरएनए में यूरिकल बेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरएनए केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव और अंतःस्रावी जालिका में भी होता है, ध्यान रखना, मतलब आरएनए केंद्रक के अंदर ही मिलेगा, आरएनए केंद्रक के अंदर मिलेगा और केंद्रक के बाहर भी मिलेगा। तो केंद्रक के बाहर कहां पर मिलेगा, तो कोशिका द्रव में और अंतःस्रावी जालिका में, ध्यान रखिएगा। आरएनए ये आपको याद रखना है, लेकिन डीएनए कहां बताए थे, केंद्रक में, और केंद्रक के बाहर और कहां पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हरित लवक में भी आपको डीएनए मिलता है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना है। डीएनए एकल छड़ वाला, आरएनए आपका जो है डीएनए द्वि छड़ वाला, आरएनए एकल छड़ वाला। डीएनए में कौन सा बेस, थायमिन बेस, आरएनए में कौन सा बेस, यूरिकल बेस, ध्यान रखना है। चलिए डीएनए आपका तीन प्रकार का होता है, एक होता है संदेश वाहक मैसेंजर, ध्यान रखना है, दूसरा होता है राइबोसोमल, तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मर, मतलब जो है स्थानांतरण, आरएनए, टीआरएनए, ध्यान रखना है। मैसेंजर क्या करता है कि कोशिका के आपका जो है न्यूक्लियोटाइड के पास जो प्रोटीन रहता है या जो भी आपका कण रहता है उसको मैसेज पहुंचाता है, कौन, तो आपका जो है मैसेंजर यानी संदेशवाहक, कि तुम्हारे लिए ये वाला आरएनए का अणु इंपोर्टेड है, ध्यान रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आरएनए का निर्माण किससे होगा, तो न्यूक्लिक एसिड से निर्माण होगा, न्यूक्लिक एसिड से यानी एमिनो एसिड से, ध्यान रखना है। तो प्रोटीन के एक अणु, प्रोटीन के, ध्यान रखना है, प्रोटीन के एक अणु का निर्माण, ध्यान रखना है, आपका जो है 20 एमिनो एसिड से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि 10 एमिनो एसिड तो हमारे बॉडी के अंदर से ही कोशिका ले लेता है, बाकी 10 एमिनो एसिड जो होता है ये आपको बाहर के अनेक प्रकार की पोषक तत्वों से प्राप्त करता है। तो 10 जो है, 10 ये प्रोटीन का, एमिनो एसिड का अणु जो है कौन सा इंपोर्टेंट है प्रोटीन को बनाने के लिए, तो ये कौन सा इंपोर्टेंट है प्रोटीन को बनाने के लिए, ये आपका टी आर एन ए,
टीआरएनए मतलब हस्तांतरित आरएनए को सूचना कौन देगा, तो आपका एमआरएनए मतलब संदेशवाहक बताएगा, एमआरएनए कहेगा कि झट दबर लेके चले जाओ इसको, तुम्हारे लिए ये एमिनो एसिड इंपोर्टेड है, ये अणु आपके लिए इंपोर्टेड है, चलो इसको लेके जाओ। तो लेके जाने के लिए सूचना देता है एमआरएनए, लेकिन ले जाता है कौन, टीआरएनए, और लेके चला गया, और इसके बाद आपका जो है एमिनो एसिड वहां पर पहुंच गया, और जाने के बाद प्रोटीन का निर्माण होगा, तो निर्माण में मदद करेगा कौन, राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोम, ये आपको ध्यान रखना है, यही है और कुछ है नहीं। देखिए संदेशवाहक इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, और ये आपका जो है आरएनए के कुल आपका अणुओं का 3-5% होता है, और केंद्रक में डीएनए साचे पर इनका निर्माण होता है 1961 में फ्रांसिस जैकब और जैको मोनार्ड ने इसको पहली बार संदेशवाहक आरएनए नाम दिया था। इसका काम क्या है, संदेशवाहक आरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में आ जाता है, यहाँ यह केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम तक विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड बनाता है, मतलब संदेश देने का काम करता है राइबोसोमल। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है 80% कुल आरएनए के 80% भाग पर कौन होता है, तो आपका ये कौन सा, तो राइबोसोमल आरएनए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हस्तांतरित आरएनए, तो ये ले आने का काम करता है और कुछ नहीं। अब देखिए कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन ज्यादा कुछ नहीं, कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका में होने वाले एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कोशिका विभाजन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो हमारा शरीर का विकास नहीं होगा, ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही हम लोग का शरीर का विकास हो रहा है, जैविक विकास हो रहा है, या जीव जंतुओं का निर्माण हो रहा है, जनन की क्रिया हो रहा है, ये कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन के बारे में बताने वाला पहला विद्वान कौन था, बिरचाओ, बिरचाओ साहब पहली बार कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे, ये आपको ध्यान रखना है, बिरचाओ साहब बताए थे। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने किया था, ध्यान रखना है। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, एक हमारा होता है असूत्री, समसूत्री, और एक आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ध्यान रखना है। असूत्री कोशिका विभाजन का खोज किया था रेमक, असूत्री का खोज किया रेमक, और ये सब आपका जो है किसमें होता है, असूत्री कोशिका विभाजन ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, मतलब जीवाणु, विषाणु, निहरी शैवाल, कवक, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब में होता है ये असूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री, ये समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये विकसित कोशिका में होता है, वो भी विकसित कोशिका के कायिक कोशिका में होता है। देखिए जितना भी विकसित जीव जंतु उसमें 2 प्रकार की कोशिका होता है, एक तो हमारा होता है जनन कोशिका और एक आपका कायिक कोशिका। जनन कोशिका उसको कहेंगे वैसा कोशिका जो आपका नए जीव जंतु के निर्माण में, जैसे हम लोग में शुक्राणु अंडाणु, ध्यान रखना, महिलाओं में अंडाणु, पुरुषों में शुक्राणु, तो ये जनन कोशिका है। और बाकी जनन कोशिका मतलब शुक्राणु अंडाणु को छोड़ करके हमारे बॉडी में जो भी आपका सेल है, जो भी कोशिका है, सब हमारा कायिक कोशिका कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सारा को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही कायिक कोशिका मतलब मेन रूप से कहें ने, तो आपका मान लीजिए कहीं पर चमड़ा कट गया, त्वचा कट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या आपका जो है बाल चला गया, नाखून आपका जो है खत्म हो गया, किसी तरह से टूट गया, तो वहां पर आपका जो है नए नाखून आ जाएगा, नया बाल आ जाएगा, त्वचा में आपको जो है कोई तरह कट गया तो वहां पर भर जाएगा, या घाव हो गया तो बेस हो जाएगा। तो ये सब क्रिया जो होता है कौन सी कोशिका विभाजन के द्वारा, तो आपका समसूत्री, समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी आपको जो है मीटोसिस आपका जो है सेल डिवीजन के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था, समसूत्री कोशिका विभाजन का खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग, और असूत्री कोशिका विभाजन का खोज आपका रेमक ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। असूत्री का खोज रेमक और समसूत्री का खोज किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग, ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था, ये आपको जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग समसूत्री, और ये जीव जंतु के कायिक कोशिका में होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो है 5 फेज में संपन्न होता है जी, प्रोफेज, आपका जो मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, साइटोकाइनेसिस फेज। अब है अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होगा,
तो ये जनन कोशिका में होता है, मतलब अंडाणु शुक्राणु वगैरह में आपको जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ध्यान रखना है। और इस प्रकार कोशिका विभाजन में एक जनन कोशिका के तुलना में संतान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिका में होता है, यानी कि जो जनन कोशिका है एक्स वाई जो हम लोग में है उसी में होता है। कोशिका द्रव केंद्रक में दो बार विभाजन होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक जनक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, ये प्रोकैरियोटिक यूकेरियोट बता दिए, शॉर्ट में जरा देख लीजिए। कोशिका भित्ति का काम क्या है जी? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? कोशिका को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पादप पदार्थों का अभिगमन करना, मतलब कोशिका झिल्ली का। अंतःस्रजाली का, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करना, याद रखिएगा अंतःस्रजाली का, या आने जाने का रास्ता बनाना अंतःस्रजाली का। प्रोटीन का निर्माण में मदद करना अंतःस्रजाली का। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण। गोल्जी बॉडी ये कोशिका का मुख्य श्रवण होता है, संचार करता है, या कोशिका का यातायात कहलाता है। इसी यही आपका गोल्जी बॉडी जो होता है लाइसोसोम और पेरिक्सोसोम के निर्माण में मदद करता है। इसके बाद सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भूमिका निभाता है हरित लवक। और एक अवर्णी लवक खाद्य संग्रह में सहायक होता है, मतलब खाद्य पदार्थों को जमा करता है अवर्णी लवक, ध्यान रखना है। वर्णी लवक फल फूल का या बीजों का रंग प्रदान करता है, आकर्षक रंग देता है। केंद्रक कोशिका में उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है, केंद्रक ध्यान रखना है। कोशिका में उपापचयी क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? केंद्रक। और गुणसूत्र तो जीन वाहक या कोशिका कार्यों का नियंत्रण करता है गुणसूत्र। अनुवांशिक गुण को बनाने का या एक जीव से दूसरे जीव में ले आने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक आपका जो है कोशिका के अंदर पदार्थों का जो आवागमन होता है, ध्यान रखना है, वो आवागमन जो होता है वो दो विधि से होता है। एक हमारा आपका जो है डिफ्यूजन यानी विसरण, और एक होता है परासरण, विसरण विधि, और एक आपका परासरण विधि। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, विसरण और परासरण आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेड है। पिछला बार बीपीएससी में पूछा था, जो बीपीएससी एग्जाम कैंसिल किया उसमें आपको जो क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। आने वाला समय में भी आपसे पूछेगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ देता है तो उसका नज़र में रहता है। तो आने वाला समय में भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, विसरण और परासरण। तो देखिए विसरण और परासरण में बस फर्क यही है, विसरण विधि ध्यान रखना है, जिसमें वैसा जिसमें आपका एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाके मिल गया, पूरी तरह से मिल गया, और बीच में कोई आपका जो है परत नहीं था, बिना परत के, बिना आपको जो है परत के, बिना आपका जो है झिल्ली के माध्यम से वो आपका एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल गया, उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी को आपका मिलाइएगा तो चीनी और पानी पूरी तरह से मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विसरण। लेकिन जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जाके मिल रहा है, लेकिन एक झिल्ली के माध्यम से जाके मिल रहा है, एक मेम्ब्रेन के माध्यम जाके मिल रहा है, एक भित्ति के माध्यम जाके मिल रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग परासरण। जैसे किशमिश, आपका जो है किशमिश दुकान से खरीद के लाएं और ला करके पानी में डाल दिए, पानी में डालिएगा दो घंटा के बाद देखें किशमिश फूल गया, ध्यान रखना है, मतलब किशमिश के अंदर पानी चला गया। अब पानी अंदर चला गया तो पानी अंदर गया तो किशमिश का बाहर में जो छिलका है उस आपका छिलका के माध्यम से उस परत के माध्यम से होकर नहीं चला गया, तो ये विधि हमारा क्या कहलाएगा? तो आपका परासरण विधि कहलाएगा। इसी विधि को हम लोग परासरण विधि कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पेड़ पौधा वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछता है, जैसे पेड़ पौधे में जड़ जो होता है ये मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेता है, किस विधि के द्वारा? तो परासरण विधि के द्वारा। या मूल रोम आपका मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेता है तो किस विधि के द्वारा? तो आपका परासरण विधि के द्वारा। लेकिन पेड़ पौधे में आपका जो है जाइलम और फ्लोएम जो होता है, ध्यान रखना है, वो पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाता है तो वो किस विधि के द्वारा? तो वो हमारा विसरण विधि के द्वारा, ध्यान रखना है। या आपका पेड़ पौधे में पत्ती जो होता है, पत्ती वो आपका गैसों का आदान प्रदान बाहर से करता है, जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये किस विधि के द्वारा? तो ये हमारा विसरण विधि के द्वारा, ध्यान रखना है। तो जड़ जो होता है या मूल रोम मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेगा किस विधि के द्वारा? तो आपका परासरण। तो इतना बात आप याद रखिएगा और ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तक, तो उत्तक में हम लोग ध्यान रखिएगा कोशिकाओं के समूह को उत्तक नाम दिए, कोशिकाओं के समूह को क्या नाम दिए? उत्तक नाम दिए, ध्यान रखना है, टिश्यू नाम दिए। तो उत्तक, जैसे पहली बार उत्तक शब्द का प्रयोग आपका फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विशेट था, विशेट एक वैज्ञानिक था, विशेट, उन्होंने पहली बार टिश्यू शब्द का इस्तेमाल किया था, ये आपको ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी में। तो सबसे पहला ये पादप उत्तक पेड़ पौधा में, फिर जंतु उत्तक आपको बता देंगे, ध्यान रखना है। तो पादप उत्तक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पिछला बार बिहार दरोगा मेंस में यहां से क्वेश्चन दागा था पादप उत्तक से, ध्यान रखना है। देखिए पादप उत्तक दो प्रकार का, एक होता है विभाजोत्तक उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। विभाजोत्तक उत्तक किसको कहते हैं? वैसा उत्तक जो आपका विभाजन करने की क्षमता हो, जैसे आपका नए नए पत्ती लाता हो, नया नया फल लाता हो, या आपका जो है तना का विकास करता हो, जड़ का विकास करता हो, ध्यान रखना है। तो ये मतलब विभाजन का क्षमता होता है उसमें, ऐसे उत्तक को हम लोग विभाजोत्तक उत्तक कहते हैं। लेकिन ऐसा उत्तक जो विभाजन की क्षमता न रखता हो, मतलब पेड़ पौधे में नए चीजों के निर्माण में मदद नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका जो है पेड़ पौधे में अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करता हो, अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करता हो, अनेक प्रकारों को संचालन में मदद करता हो, ऐसे उत्तक को हम लोग कहते हैं आपका जो है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विभाजोत्तक उत्तक जो होता है तीन प्रकार का, एक शीर्षास्थ, एक पार्श्वास्थ, एक अंतर्वेशी। शीर्षास्थ जो होता है पेड़ पौधे के आपका तना के वृद्धि में और जड़ के शीर्ष भाग पर, हालांकि तना के प्ररोह भाग पर, आधार पर और जड़ के शीर्ष भाग पर, ध्यान रखना है। और इसका मेन काम होता है ये पेड़ पौधे के आपको जो है पेड़ पौधे के तना के वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है ये शीर्षास्थ आपका विभाजोत्तक उत्तक, ध्यान रखना है। इसलिए प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा उत्तक? तो आपका शीर्षास्थ विभाजोत्तक उत्तक। दूसरा पार्श्वास्थ, तो ये आपका जो है तना जड़ के आधार पर पाया जाता है और पौधे की चौड़ाई मतलब मोटाई को बढ़ाता है और तने और जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है, ये द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखना है। और एक कौर कैबियम के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। अंतर्वेशी, तो ये पेड़ पौधे के आपका जो है तना के शीर्ष भाग पर मिलेगा आपको, ध्यान रखना है, यानी पत्ती के जस्ट आपका आधार पर मिलेगा ये आपका कौन सा, तो अंतर्वेशी। और ये पेड़ पौधे के नया नया पत्ती वगैरह लाने में मुख्य भूमिका निभाता है, नया नया पत्ती नई नई शाखा के विकास में आपका जो है मुख्य भूमिका। तो विभाजोत्तक उत्तक तीन प्रकार का, शीर्षस्थ पौधा के तना की लंबाई की वृद्धि में, ध्यान रखना है, जड़ के शीर्ष भाग पर मिलेगा आपको शीर्षस्थ। इसके बाद पार्श्वस्थ, तो पेड़ पौधे की मोटाई यानी चौड़ाई को बढ़ाने में ये पौधा के आधार तना के आधार पर मिलेगा आपको, ध्यान रखना है। और इसके बाद एक हमारा हो गया अंतर्वेशी, ये आपका अंतर्वेशी का मेन काम होता है नया नया पत्ती नया नया शाखा को लाने का मुख्य भूमिका निभाता है, ध्यान रखना है। चलिए अब अस्थायी उत्तक आइए, तो अस्थायी उत्तक बस वही उत्तक जो आपका कोशिका ये पौधा में अनेक प्रकार के जो काम हो रहा है उस कार्यों को संपादित करने के लिए जो उत्तक आपका होता है उसी को हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक सरल एक जटिल। सरल अस्थायी उत्तक किसको कहते हैं? एक ही प्रकार की कोशिका से मिले उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं, और अलग अलग प्रकार की कोशिका से मिले उत्तक को हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सरल अस्थायी उत्तक भी आपको जो है तीन तरह का, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा एस्क्रेन्काइमा, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा एस्क्रेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना होता है। पैरेन्काइमा पौधे को सहायता प्रदान करने के साथ साथ भोजन संचय जल संग्रह में मदद करता है, मतलब भोजन को जमा करने में जल को संग्रह करने में पैरेन्काइमा का मुख्य भूमिका होता है, ध्यान रखना है। और हरित लवकयुक्त पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका जब भोजन का निर्माण में भी मदद करता है। ये पौधे को तैरने में, कोई भी पौधा देखिएगा जल में तैर रहा है पानी में तैर रहा है, तो वहां पर भी आपको पैरेन्काइमा
मुख्य भूमिका निभाता है। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है? तो बस जल का संग्रह करना और पौधा में भोजन का निर्माण या संग्रह करना किसका काम होता है? तो पैरेन्काइमा का, ध्यान रखना है। अब देखिए कोलेन्काइमा, ये जीवित कोशिका होता है भी, पैरेन्काइमा भी जीवित कोशिका, कोलेन्काइमा भी जीवित कोशिका, लेकिन एस्केलेन्काइमा जो आएगा वो हमारा मृत कोशिका होता है। ये आपका कोशिका भित्ति का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है जी, ध्यान रखना है। ये पौधे को यांत्रिक सहारा देता है और पौधे में लचीलापन लाता है, ये पौधे में लचीलापन लाने का काम करता है। ये कौन सा? तो आपका कोलेन्काइमा, पौधे में लचीलापन लाता है कोलेन्काइमा। अब विशेष परिस्थितियों में जैसे आंधी तूफान आ गया, तो आंधी तूफान आ गया तो पौधा को टूटने में बचाएगा, उस समय पौधा को टूटने से बचाएगा, पौधे को लचीलापन ला देगा, पौधा आपका कदम नीचे गिर जाएगा। जैसा आपका बांस का पौधा को देखिएगा तो बांस को कितनों लपा दीजिएगा जल्दी नहीं टूटेगा, क्यों भाई? क्योंकि उसमें आपको जो है कोलेन्काइमा होता है, लेकिन जैसे ही बांस आकर सूखता है तो उसको लपाते हैं तो टूट जाता है, ध्यान रखना है, कोलेन्काइमा खत्म हो जाता है। अब है एस्केलेन्काइमा, तो एस्केलेन्काइमा जो होता है ध्यान रखना है, ये आपका मेन रूप से ध्यान रखिएगा, ये पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा के विपरीत एस्केलेन्काइमा कोशिका मृत होता है, मरा हुआ होता है, ध्यान रखना है। ये कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है, जिनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन नामक प्रोटीन की एक परत होती है और इसे कठोर बना देती है। मतलब एस्केलेन्काइमा जो होता है ने पेड़ पौधे के फल फूल को एकदम मजबूत कर देगा। जैसे नारियल देखें, नारियल का बाहर वाला छिलका, वो छिलका देखे कितना कठोर होता है, कितना मजबूत होता है, तो वो किसके कारण? तो इसी कारण कोलोनी आपका जो है एस्केलेन्काइमा, ये आपको ध्यान रखना है, जूट का रेशा वगैरह इसी कारण। अब देखिए जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक दोचिल मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं, ध्यान रखना है। जटिल अस्थायी उत्तक जो होता है ध्यान रखिएगा, जटिल अस्थायी उत्तक ये आपका मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक जालम और एक फ्लोएम, जालम और एक फ्लोएम। जालम का काम क्या है? तो पेड़ पौधे के जड़ से जल और खनिज लवण को लेकर के पेड़ पौधे के आपका ऊपर लेकर के जाना, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और प्रकाश के अनुरूप लेकर के जाना, जालम। लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम का मेन काम है आपको जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्राप्त पेड़ पौधे के पत्ता में या तना में जो भी पोषक पदार्थ है उसको पेड़ पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, नीचे भी इधर भी उधर भी सगरो, मतलब सारा प्रकाश के अनुरूप भी, गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप भी, प्रकाश की विपरीत भी और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी। किसका काम है? तो आपका जो है फ्लोएम का, ध्यान रखना है। अब देखिए जाइलम जो होता है वो चार प्रकार की कोशिका से बना होता है, एक जाइलम वाहिनिका जिसको हम लोग जाइलम टैड्रिक्स कहते हैं, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर, ध्यान रखना है। वाहिनिका, वाहिका क्या है? संवहन का गुण होता है इसमें, ढोने का गुण होता है, ले आने में मदद करता है। पैरेन्काइमा भोजन को जमा करता है और जाइलम फाइबर जो होता है, जाइलम फाइबर ये आपका जो है जाइलम को मजबूती प्रदान करता है। उसी तरह से आपका फ्लोएम में आइए, तो फ्लोएम में आपका जो है चालनी नली का साथी कोशिका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, ये हो गया, ध्यान रखना है। तो चालनी नली का और साथी कोशिका ये आपका जो है संवहन का गुण, मतलब ढोने का गुण इसमें होता है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन को जमा करता है और फ्लोएम रेशे मजबूती प्रदान करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया पादप उत्तक समाप्त हो गया। पादप उत्तक में सबसे पहले आपको बताएं, ध्यान रखिएगा, पादप उत्तक दो प्रकार का, एक विभाजोत्तक उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। विभाजोत्तक उत्तक तीन प्रकार का, शीर्ष अस्थ विभाजोत्तक उत्तक, पार्श्व अस्थ विभाजोत्तक उत्तक और एक अंतर्वेशी विभाजोत्तक उत्तक। पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है कौन सा? शीर्ष अस्थ। पेड़ पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है कौन? तो पार्श्व अस्थ। और पेड़ पौधे में नया पत्ती या शाखा को लाता है कौन? तो आपका अंतर्वेशी। अब आइए इधर, आपका जो विभाजोत्तक उत्तक हो गया, अब आइए अस्थाई में। अस्थाई उत्तक आपको बताएं दो तरह का, एक हो गया आपको जो है सरल और एक हो गया जटिल। एक ही प्रकार की कोशिका से बने उत्तक को सरल और एक ही प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने तो आपका जटिल हो जाएगा। सरल अस्थाई उत्तक भी तीन तरह का, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा एस्केलेन्काइमा। और जटिल अस्थाई उत्तक आपको जो है कितने प्रकार का? दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो होता है चार प्रकार की कोशिका और फ्लोएम भी जो होता है वो चार प्रकार की कोशिका से बना होता है, ध्यान रखना है। तो जाइलम और फ्लोएम से ही पिछला बार बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा
आपको आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा तो आपका मेरिट बना होगा, अगर वो क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे तो आप मेरिट से बाहर हो गए होंगे। कहे कि मेरिट से लेकिन ज़्यादा नंबर से बाहर नहीं होता है, बस 2-4 नंबर का फर्क होता है। तो 2-4 नंबर के लिए आप रिविजन से रिविजन जितना ज़्यादा हो सके रिविजन करिए, जितना ज़्यादा रिविजन करिएगा उतना ज़्यादा आपका बेहतरीन तैयारी होगा, ध्यान रखना है। रिविजन नहीं करिएगा तो कोई तैयारी आपके पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जंतु तक में आइए। तो जंतु तक में हम लोग आते हैं, तो जंतु मतलब हम लोग में, ध्यान रखना है। तो हम लोग में 4 प्रकार के ऊतक होता है, एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक, एक होता है तंत्रिका ऊतक, ध्यान रखना है। तो हम लोग में 4 प्रकार के ऊतक होता है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक में आइए, इपिथिलियम टिश्यू, इसमें आपका सबसे सामान्य ऊतक है, जंतु में सबसे सामान्य ऊतक पाया जाता है, जो लगभग सभी अंगों के ऊपर एक परत के रूप में उपस्थित रहता है, और इस ऊतक में कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, अनवरत सतह का निर्माण करती है, जिसके कारण आपका पेमेंट का ऊतक भी कहते हैं इसको हम लोग। मतलब कोशिका या किसी भी जीव जंतु के बाहरी परत पर, याद रखिएगा बाहरी शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों के बाहरी परत पर, कोई भी अंग आपका है उस अंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर जो ऊतक मिलेगा ना उसी को हम लोग कहेंगे उपकला ऊतक, ध्यान रखिएगा। इसमें ऊतक में सिलियां पाई जाती है, छोटे छोटे आपको जो है परत पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें सिलियां युक्त उपकला ऊतक भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये आपको जो है कहाँ पर, तो यकृत, अग्नाशय, आपका समरी, अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित करके श्रवण का भी काम करता है, ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी आपका जो है 6 प्रकार का, सरल सल्की उपकला, अस्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, स्तरीय सल्की उपकला और स्तरीय घनाकार, ये हालांकि उतना आपको नहीं। अब देखिए इस प्रकार की उपकला ऊतक का काम क्या है, तो पहला काम जंतु के शरीर को आपको पूरा ढके रखेगा, ही कोई भी जंतु है उसका पूर्ण शरीर जो ढका हुआ रहता है किस ऊतक से, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कौन सा ऊतक, तो उपकला ऊतक, एपिथिलियम ऊतक। कोई भी जंतु का शरीर पूर्ण रूप से ढका रहता किसके, किस ऊतक से, तो आपका जो है ये आपका ये उपकला ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर के विभिन्न अंगों के एक दूसरे से पृथक करता है, अलग करता है, अलग करता है कौन, तो आपका उपकला ऊतक। शरीर में विभिन्न अंगों पर बाह्य स्तर बनाता है, जैसे त्वचा, मुंह, त्वचा पर देखते हैं बाहरी जो आपका ऊतक है वही हमारा उपकला ऊतक है, ध्यान रखना है। ये कटने फटने में बचाता है और ग्रोथ कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित होकर के अनेक प्रकार का श्रवण करती है, ये पदार्थों का अवशोषण और परागमन भी करता है, श्लेष्मा का श्रवण और आपको जो है श्लेष्मा का निर्माण भी करता है, कौन सा, तो आपका उपकला। तो ज्यादा कुछ नहीं, जंतु में एपिथिलियम ऊतक, उपकला ऊतक, कोई भी जंतु शरीर का अंग है उस अंग के बाहरी परत पर पाया जाने वाला ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। हमारे त्वचा के ऊपर कौन सा ऊतक, उपकला ऊतक। हमारा बाल कौन सा ऊतक है, तो उपकला ऊतक। नाखून कौन सा ऊतक है, तो उपकला ऊतक से बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी जीव जंतु का पूरा शरीर आपका जो है ढका हुआ रहता है किस ऊतक से, तो आपका उपकला ऊतक से। अब देखिए संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक जो होता है ना ये आपका अंगों को जोड़ने का काम करता है। देखिए अंगों को विभिन्न प्रकार के अंगों को अलग करता है उपकला ऊतक, लेकिन अंगों को जोड़ता है कौन सा, तो आपका संयोजी ऊतक, ध्यान रखिएगा। संयोजी ऊतक कनेक्टिव आपका टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर मिलेगा, तो रक्त में मिलेगा, अस्थि में मिलेगा, उपास्थि में मिलेगा, टेंडन में मिलेगा, लिगामेंट में मिलेगा, वसा ऊतक, एरियोलर ऊतक, ये सब हमारा क्या है, तो आपका संयोजी ऊतक। आपके हड्डी में, हमारे हड्डी में या आपका उपास्थि में कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक। रक्त हमारा कैसा ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही है और कुछ है नहीं। अब देखिए आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर आइएगा, ये आपका जो ऊतक देखिए, लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी जोड़ता है और टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से मतलब अस्थि अस्थि से, और आपका जो है टेंडन हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा है पेशी ऊतक, तो जो भी आपका हड्डी है ना
उस हड्डी के ऊपर परत पर जो आपका पाया जाता है मांस जो होता है हड्डी के ऊपर, उसी हड्डी के ऊपर मांस होता है उसी को हम लोग कहते हैं मांसपेशी, और इस मांसपेशी में जो ऊतक होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं आपका पेशी ऊतक। ये आपका मसून पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक आपका होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, सब उतना नहीं पूछता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका सूचनाओं का मेन काम करता है। अब देखिए अनुवांशिकता में जैव विकास, तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता में सबसे पहला पॉइंट, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग कौन किया था? वाटसन। कौन किया था? वाटसन। लेकिन अनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जीवों में आपका जो है जो भी लक्षण है, गुण है, एक जीव से दूसरे जीव में जाने का क्रिया को अनुवांशिक की कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बार इसके बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी दिया ग्रेगर जॉन मेंडल, और ग्रेगर मेंडल को हम लोग अनुवांशिकता का पिता या जनक कहते हैं। मटर के पौधे का प्रयोग किया था, और मटर के पौधा का प्रयोग करना किया था, क्यों किया था? क्योंकि आकार में छोटा था, कहीं भी उगाया जा सकता है, विभिन्नताएं इसमें काफ़ी होता है, और इसमें स्वपरागण परपरागण दोनों होता है। अब मेंडल साहब तीन गो नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, या इसी को पृथ्वीकरण का नियम, या इसी को हमने युग्मक शुद्धता का नियम, और एक होता है स्वतंत्र अभिवन का नियम। खैर पूरा नियम उतना नहीं याद रखना है आपको, सब क्लास में पढ़ाते हैं, उतना समय आपको नहीं है। यहाँ पर आप याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब ग्रेगर जॉन मेंडल प्रथम पीढ़ी के पौधा, ध्यान रखना है, प्रथम पीढ़ी के पौधा को संस्करण कराया, तो दो तरह का परिवर्तन देखा जी, दो तरह का परिवर्तन देखा, एक बाहरी परिवर्तन, एक आपका अनुवांशिकी परिवर्तन। तो बाहरी परिवर्तन को फिनोटाइपिक रेशियो कहा गया, फिनोटाइपिक, बाहरी परिवर्तन को फिनोटाइपिक रेशियो, और आपका अनुवांशिक परिवर्तन आया उसको आपका जीनोटाइपिक रेशियो कहलाया गया। जीनोटाइपिक रेशियो अनुवांशिक परिवर्तन को, फिनोटाइपिक रेशियो प्रथम पीढ़ी में बोलेगा, ध्यान रखना है, प्रथम आपका पीढ़ी में फिनोटाइपिक रेशियो बोलेगा, तो आपका कितना? तीन अनुपात एक। प्रथम पीढ़ी में आपका जो है कितना? तो 3:1, ध्यान रखना है। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन दूसरा पीढ़ी में आपका जो है फिनोटाइपिक रेशियो, तो आपका 9:3:3:1। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो दूसरे का पीढ़ी में बोलेगा, तो 1:2:1, ध्यान रखना है, और 2:4:2, और अनुपात आपका जो है 1:2:1। ये हमारा था क्या? तो आपका जो है रेशियो परिवर्तन जो आया, तो इस तरह से परिवर्तन में आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका इसमें यहाँ और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए जैव विकास, तो जैव विकास मतलब जीवों का विकास। जैव विकास को समझाने वाला पहला विद्वान कौन था? लैमार्क साहब, लैमार्क था, ध्यान रखना है। पहली बार इन्होंने आपका जैव विकास के संबंध में कुछ सिद्धांत दिया, उसी को जैव विकास का सिद्धांत के नाम से जाना गया, ध्यान रखना है। तो लैमार्कवाद ने क्या कहा, ध्यान रखना है। तो लैमार्क ने आपका जो है अपने पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में आपको लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया, 1809 में दिया। इसमें कहा वातावरण का सीधा प्रभाव, मतलब जीव जंतु के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये आपका लैमार्क साहब बताने का काम किया। दूसरा अनुकूलन की प्रवृत्ति, एडेप्टिलिटी, मतलब वातावरण के अधिकाधिक अनुकूलन बनाने की प्रवृत्ति हर एक जीव में होता है, अगर अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता है तो नहीं जी पाएगा, ये बताए थे कौन? तो आपका लैमार्क साहब। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, इसमें कहा गया जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करिएगा उसका विकास ज़्यादा होगा, और जिस अंग का उपयोग कम करिएगा उसका विकास कम होगा, ध्यान रखना है। उसी को हम लोग कहते हैं अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहा कौन? तो लैमार्क साहब, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए लैमार्क के बाद आ गया डार्विन, तो डार्विन में ज़्यादा कुछ नहीं, डार्विन में बस याद रखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने आपको जो है जैव विकास को समझाने के लिए आपका एक सिद्धांत दिया, उसी को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ध्यान रखना है, या विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछेगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखना है। और इसके साथ अल्फ्रेड रसेल बैलेस इसका सहयोगी था, ध्यान रखना है।
और अंटार्कटिक के क्षेत्र में गया था और फ्रेंचिज पक्षी पर शोध किया था और 1859 में अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिज, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिज में आपको जो है ये बताने का काम किया। और इन्होंने आपका जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास मतलब ऑरिजिन ऑफ स्पेसिज के नाम से जाना गया, या उसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। हालांकि डार्विन ने आपका सबसे पहली बार ये बता दिया था कि जितना भी धरती पर जीव जंतु है सारा जीव जंतु में आपको जो है सारा जीव जंतु में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होता है, ये बताने का काम चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सारा जीव जंतु में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने देखिए जीवों में संतुन्नति प्रचुर क्षमता ये बताया, जीवन संघर्ष ये भी बताया, जीवन संघर्ष जो आदमी जीवन संघर्ष में आपका जो है जीवन को संघर्ष करता है वही जीवन में सफल पा पाता है, अगर जीवन में संघर्ष नहीं कर पाता है तो वो आपका कभी सफलता नहीं मिलता है। चलिए योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत भी दिया, विभिन्नताएं होता है जीव जंतु में, वातावरण के अनुकूलन की प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। अब चार्ल्स डार्विन का आलोचना भी हो गया, ध्यान रखना है, तो आलोचना में लिंग चयनवाद को गलत ठहरा दिया गया, ध्यान रखना है, मतलब लिंग चयनवाद के बारे में सही से नहीं बताया ये, ध्यान रखना है। और जितना भी जैव विकास था उस सारा जैव विकास के बारे में तो बताया, लेकिन जैव विकास में आनुवंशिकता के बारे में कोई आपको जो है नहीं बात बताया, इसलिए इसके आपका सिद्धांत को फेल बता दिया गया। बाद में नव डार्विनवाद आया, नव डार्विनवाद का सिद्धांत कौन दिया, तो हुगो डुब्रिज, हॉलैंड के हुगो डुब्रिज 1921 में प्रस्तुत किया नव डार्विनवाद, जिसमें जीन उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्योजन और आपका जो गुण आपका गुण सूत्रों का संरचना संख्या में परिवर्तन ये सब बात बताया, ध्यान रखना है। अब देखिए समझात अंग और एक होता है समृद्धि अंग, तो ध्यान रखिएगा वैसा अंग जिसका भ्रूणीय परिवर्धन या मूल संरचना समान हो, मतलब समान रूप से विकास हुआ हो, संरचना भ्रूणीय विकास सब समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं समझात अंग, लेकिन काम सेम हो और भ्रूणीय विकास अलग अलग हो ऐसे अंग को कहते हैं समृद्धि अंग। तो समझौत अंग में हमारा घोड़ा, चमगादड़, व्हेल, सील, मनुष्य का अग्रपाद सह हमारा क्या है, तो समझात अंग, घोड़ा का अगला पैर, मनुष्य का अगला हाथ हो गया, या आपका चमगादड़ का अगला आपका पैर हो गया, ये सह हमारा समझात अंग है, क्योंकि इसका विकास सेम है लेकिन काम सबका अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आपका समृद्धि अंग, समृद्धि अंग में भ्रूणीय विकास परिवर्धन अलग अलग लेकिन काम सेम, जैसे चमगादड़ का पंख और तितली का पंख दोनों का आपका जो है आपका काम सेम है लेकिन विकास भाई अलग अलग हुआ, उसका विकास अलग कोशिका से, इसका विकास अलग कोशिका से, ध्यान रखना है। अब शोषी अंग, चलिए अब देखिए प्रास्थितिक तंत्र में हम लोग आते हैं, तो प्रास्थितिक तंत्र में ज्यादा कुछ है नहीं, अंडरस्ट्रैंगल ध्यान रखना है, हम लोग यहीं तक रहते हैं, अगले वीडियो में फिर आपका जो है आपसे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ट्रोयोफाइटिक उष्णकटिबंधीय, ट्रोपोफाइटिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, हाइड्रोफाइटिक जल के ऊपरी सतह पर, हाइग्रोफाइटिक आद्रता में, जेरोफाइटिक मरुस्थल में, मेसोफाइटिक टाइगा वन में, क्रायोफाइटिक टुंड्रा वन में, हेलोफाइटिक नमकीन यानी लवण क्षेत्र में, और लिथोफाइटिक चट्टान पर, पायरोफाइटिक अग्नि प्रतिरोधी क्षेत्र में उगने वाले वनस्पतियाँ, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखें अगले वीडियो में, फिर आपको एक पार्ट इसका और बनेगा, फिर पादप जगत खत्म हो जाएगा, फिर जंतु जगत, यानी तीन पार्ट में आपका जाएगा ये बायोलॉजी और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए, आज भर 2 घंटे हम लोग रिवीजन किए, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कल सुबह में।